तो सभी फ्रंट रनर का एक बार फिर स्वागत है हमारे आज के सेशन में। आज मैं थोड़ा सा मल्टी डायमेंशनलिटी के बारे में बताने की कोशिश करूँगा कि मल्टी डायमेंशनल, अगर हम मल्टी डायमेंशनल बीइंग हैं तो इस बात का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई किताब पढ़ते हैं तो उसके अक्षर, एक एक अक्षर से शब्द बनते हैं, शब्द से पैराग्राफ बनते हैं और कंप्लीट बुक बनती है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। अगर वो बुक के सारे अक्षर स्कैटर्ड हो जाएं, हवा में फैल जाएं, हर एक अक्षर अपने आप में इंडिपेंडेंट हो, तो जो एक हमारी थर्ड डायमेंशन की रियलिटी, जिसमें हमारा माइंड बहुत लिमिटेड, जिसके एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो उस बुक को नहीं एक्सपीरियंस कर सकता, क्योंकि हमें लीनियरिटी में परसीव करने की चीज़ों को आदत है, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हम इस डायमेंशन के बाहर, हमारा माइंड नहीं समझ सकता, इसलिए हमारे लिए असंभव है। अगर पूरी भागवत गीता के अक्षर ऐसे स्प्लिट हो जाए तो क्या हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। या दूसरे तरीके से समझें, अगर मान लो कोई फिल्म है, फिल्म की रील होती है, जैसे पुराने समय में होती थी, एक एक रील अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन सब मिलके पिक्चर बनती है जब हम उसको लीनियरिटी में परसीव करते हैं। जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तब हमें कॉज और इफेक्ट समझने में आएगा। हम अधिकांश तौर पे सोचते हैं कि एक कर्म का सिद्धांत विशेष इसी पे आधारित है कि हमने कोई कारण किया, उसका एक अफेक्ट हुआ, चाहे वो सजा के रूप में, चाहे वो रिवार्ड के रूप में। कॉज एंड इफेक्ट अगर टाइम एग्जिस्ट ना हो तो कहाँ पे हैं? क्या पहले कॉज हो सकता है या पहले इफेक्ट हो सकता है? अगर फिल्म की मूवी के ये रोल, हम क्या रील बदली जा सकती है? बिहार स्कूल ऑफ योगा के परमहंस सत्यानंद सरस्वती जी की ऑटो बायोग्राफी में उन्होंने लिखा, मैंने बहुत साधना की, हिमालय में गया, दम लगाया, चौमासा किया, आज मैं जानता हूँ कि अगर मैंने ये सब ना किया होता तो भी यही होता, ये सब अगर मैंने ना किया होता तो भी यही होता, क्योंकि ये अफेक्ट था, ये अफेक्ट होना था। और एग्जाम्पल से सोचें, द्रौपदी के पांच पति थे, ये कॉज था, उसका अफेक्ट उसको हुआ पांच पति के रूप में, या उसको पांच पतियों का एक्सपीरियंस करना था, इसकी वजह से ये परिस्थितियां पैदा हुई। हम लोगों का जो जीवन है ये नए एक्सपीरियंस को अफेक्ट करेगा, वो हमें जो एक्सपीरियंस करना है उसके लिए हम इस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, या हम ये परिस्थितियां क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से नया जीवन प्रकट हो रहा है, कॉज एंड इफेक्ट। अगर हम, ये सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है, जिस पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे उस पर्सपेक्टिव से हमें इसको समझना पड़ेगा। अगर हमारा हायर सेल्फ जो वहां पे एग्जिस्ट करता है, वो एक्सपीरियंस कर रहा है, उसकी वजह से ये कॉज बन रहा है। और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है, मैं एक बार आपके माइंड में मल्टी डायमेंशनलिटी का बीज डालना चाहता हूँ, जिससे आप इसको कॉज और इफेक्ट से को एक अलग तरीके से देखने की आदत डालें, लीनियरिटी से उठ के इसको देखने की आदत डालें। हमारे चैनल में सितंबर 22 में टाइमलाइन मेडिटेशन पड़ा हुआ है, सितंबर 22 से पड़ा हुआ है। यूट्यूब में कोई भी चीज़ पड़ी होती है तो हम उसको हटा सकते हैं, उसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं कर सकते। उस टाइमलाइन मेथड में, जब कोरोना, हम लोग परेशान थे, पूरी ह्यूमैनिटी अनसर्टेनिटी में थी, वो ये नहीं जानती थी कि आने वाला भविष्य कैसा होगा, क्या इसको और फोर्स किया जाएगा, एंड सो ऑन, फोर्थ वेव आएगी, फिफ्थ वेव आएगी, चाइना में वेव आ रही हैं, उस समय वो मेडिटेशन डाला था और उसमें सिर्फ एक लाइन थी कि इस जनवरी 2023 से ये महामारी का इश्यू हट जाए। पब्लिक मेमोरी बड़ी कम होती है, पुरानी बातों को भूल जाती है। अगर आप लोगों को याद हो वो समय जो कितना अनसर्टेन था, एंड 23 ऑनवर्ड्स आज उसकी बात खत्म हो गई। हमने इसको क्रिएट किया, ह्यूमन इतना पावरफुल है, उसकी कॉन्शियसनेस इतनी पावरफुल है कि वो रियलिटी को क्रिएट करता है, सिर्फ उसकी ये पावर खो गई है। इस पावर को याद करने का समय है। और इसी तरह हम जो नेक्स्ट डायमेंशन की रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं वो ऑलरेडी क्रिएटेड है। हम सोचते हैं कि हम इसको क्रिएट करेंगे और कभी एक्सपीरियंस करेंगे, जब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस रेडी हो गई तब एक्सपीरियंस करेंगे, वेयर एज इट इज़ ऑलरेडी देयर। हम
इसको ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, बट हम इसको एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा ऊपर से जाने वाला टॉपिक है। एक बार ये बीज डाल के इसको सोचें कि अगर टाइम एग्जिस्ट नहीं करता होता, हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये मल्टीपल पिक्चर की रील की तरह स्कैटर्ड होते, तो क्या हम कोई भी चीज़ आगे पीछे कर सकते थे? सी, आप लोगों ने कई मूवी देखी होंगी जिसमें एक बूढ़ा आदमी पहले था, उसके बाद वो अपनी बचपन की स्टोरी बताता है, सिर्फ एडिटिंग का हिस्सा है। वो फिल्म इस तरह एडिट की गई तो वो सीक्वेंशियल नहीं थी, बचपन से बुढ़ापे तक नहीं चली, बुढ़ापे के सीन पहले आए और उसके बाद वो मूवी चली। इसी तरह हम अपनी रियलिटी को बहुत ईजिली शॉर्ट तरीके में बदल सकते हैं, हम इसके लिए तैयार हो रहे हैं। मूवी की बात चली तो मुझे अपने बचपन की एक मूवी याद आई, मैं आप सब लोग को रिकमेंड करूंगा, मेरी जनरेशन के जो लोग हैं शायद सबने देखी हो। हिंदी में एक मूवी थी गाइड, तो वो शुरुआत से वैसे ही दिखाया कि वो जेल से बाहर आया था। वो मूवी बहुत टचिंग है, लास्ट में वो एनलाइटेंड हो जाता है देवानंद, जबकि एक बहुत सिंपल सी बैकग्राउंड, मिडिल क्लास बैकग्राउंड का गाइड था, जेल भी गया और ह्यूमन एस्पायरेशन जो कुछ होते हैं, डर, इच्छा कुछ और अचीव करने की, महत्वाकांक्षा, और आखिरी में जब वो रियलाइज़ हुआ तब सूखा पड़ा हुआ था, और रियलाइजेशन के बाद उसने एक विचार किया कि देखो बारिश हो रही है, इमीडिएटली बारिश शुरू हो गई। दिस मच पावर वी हैव, हम इमीडिएटली इस रियलिटी को क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ हम इसको जानते नहीं हैं। हमारे अंदर ये बीज है कि एनलाइटमेंट एक बहुत कठिन चीज़ है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, कई जीवन के बाद कोई इस लायक पहुंचता है, और जो हमने धारणाएं बनाई हुई हैं एनलाइटेंड बींग्स की, रियलाइज्ड मास्टर की, उनकी शक्तियों की, वो हमारे अंदर हमें स्टॉप करती हैं। हम तो साधारण सा जीवन जीते हैं, हमारा खाना पीना नॉर्मल है, हम कैसे अचीव कर पाएंगे? वो तो हिमालय में बैठ के तपस्या करते हैं, वो सिर्फ कर सकते हैं। गाइड मूवी में एक गाइड ने अगर रीच कर लिया, एग्जैक्टली सेम हमारे अंदर पोटेंशियल है, तो बिल्कुल गाइड मूवी की तरह हमारा जो पोटेंशियल, हम एक इस आने वाले समय में हम इसको अचीव कर सकते हैं। दैट इज सो सिंपल, अगर हम इसको विश्वास कर सकें, अगर हम अपने पुराने बिलीफ सिस्टम को हटा सकें, अपनी कंडीशनिंग को हम बदल सकें। ह्यूमैनिटी क्यों नहीं असेंड कर पाती, उसके ऊपर उसकी कड़वाहट का बोझ है, वेयर एज नेक्स्ट डायमेंशन में का जो आधार है वो लव है और यूनिकनेस की रिस्पेक्ट है। अभी तक हम एक सिस्टम को ही अच्छा मानते हैं, मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है उसको हमारी कॉन्शियसनेस एनी हाउ जज करती है, एक्सेप्ट नहीं करती। हम सर्वश्रेष्ठ हैं, सारे हमारी तरह हो जाएं और हम विश्वगुरु बन जाएं, ये हमारा विश्वास है, इस्लाम वालों का अपना विश्वास है, क्रिश्चियनिटी अपने मिशन पूरी दुनिया में चला रही है, क्योंकि ह्यूमन जीन के अंदर इन बिल्ट है अपने सर्वश्रेष्ठ होने का भाव, वो यूनिकनेस जो नेक्स्ट डायमेंशन का आधार है, यूनिकनेस, लव एंड एक्सेप्टेंस, उसको वो एक्सपीरियंस करना है। तो हम जो कड़वाहट है, अगर हम इसको बदल सकें तो हम इसको बहुत ईजिली नेक्स्ट लेवल पे कॉन्शियसनेस को ला सकते हैं, मॉर्फोजेनेटिक फील्ड में हम चेंज कर सकते हैं। अभी तक की कॉन्शियसनेस जिसका बेस फिबोनाची स्पाइरल था प्रीवियस एक्सपीरियंसेस पे, और ये एक्सपीरियंसेस डर, युद्ध की विभीषिका, गरीबी, असुरक्षा पे बेस थे, ये बदल के अबेंडेंस में आ चुके हैं, लेकिन हमारी मेमोरी, हमारी कंडीशनिंग स्टिल इसको नहीं अभी कर रही, और जो फ्रंट रनर हैं वो कर रहे हैं। मॉर्फोजेनेटिक फील्ड में इसका बहुत तेजी से प्रभाव पड़ने वाला है। इस मेडिटेशन में रिफ्लेक्टर मेडिटेशन है, कुछ लोगों ने रिट्रीट में सुमी जी के साथ हम लोगों ने किया है। हम जिस जगत का एक्सपीरियंस करते हैं ये हमारे द्वारा क्रिएट किया गया है, मल्टीपल एक्सपीरियंसेस करने के लिए, इवॉल्व होने के लिए इसको क्रिएट किया है। अगर ये रिफ्लेक्टर बदल जाए तो हमारा जीवन बदल जाएगा। ये सिंपल 10 मिनट का मेडिटेशन है, सब मिलके करते हैं, अपने रिफ्लेक्टर को बदलते हैं, ये रिफ्लेक्टर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को चेंज करेंगे और इससे हमारा आने वाला भविष्य बहुत तेज़ी से इम्प्रूव होगा। कोई भी एक पर्सन अपने जीवन में कितने तरह के एक्सपीरियंसेस करता है, एक ही पर्सन है, किसी के लिए वो अच्छा है, किसी के लिए बुरा है, किसी का वो बेटा है,
किसी का वो बाप है, पति है, पत्नी है, बच्चा है, पोता है, और हर एक रोल में वो एक एक्सपीरियंस करता है। एम्प्लॉई है, एम्प्लॉयर है, देशभक्त है, एंड मल्टीपल एक्सपीरियंसेस करता है। ये सारा जगत उसका क्रिएशन है। एक कॉन्शियसनेस ने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करने के लिए अपने एक जगत का निर्माण किया है। इन मल्टीपल एक्सपीरियंसेस में कुछ एक्सपीरियंसेस प्लेजेंट हैं, कुछ पेनफुल हैं, कुछ बहुत सारी कड़वाहट लिए हुए हैं। हम जागरूक होके अपनी कॉन्शियसनेस में उन पेनफुल एक्सपीरियंसेस और कड़वाहट को हटा सकते हैं जो हमारे जीवन को दुखदायी देती हैं, जो थर्ड डायमेंशंस की रियलिटी को डुअलिटी में, लोअर फ्रीक्वेंसीज में रखती थी। अब तक हम उन फ्रीक्वेंसीज को चाहें तो अपनी कॉन्शियसनेस से हटा के अपने जगत को बदल सकते हैं। हम इस जगत का एक्सपीरियंसेस मल्टीपल आँखों के थ्रू कर रहे हैं, डिफरेंट आँखें जो हमें देखती हैं, और उनका देखना हमारा एक्सपीरियंसेस है। जो आँखें हमें प्रेम से देखती हैं वो हमारे लिए प्रेम का एक्सपीरियंस है। जो आँखें हमें नफरत से देखती हैं वो हमारे लिए नफरत का एक्सपीरियंस है। जिन पर्सन से हमने कड़वाहट है वो हमारे कड़वाहट का एक्सपीरियंस करने के लिए उन्होंने वो परिस्थितियाँ क्रिएट की हैं। जिन पर्सन से हमें प्रेम का अनुभव होता है हमने वो परिस्थितियाँ क्रिएट की हैं। तो अब हम जागरूक होकर उन परिस्थितियों और उन रिफ्लेक्टर को बदल सकते हैं। जगत शीशा है, हमारी कॉन्शियसनेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। हम चाहें तो उन परिस्थितियों और उन रिफ्लेक्टर्स को बदल सकते हैं। अपने और ध्यान से देखें तो आपके डिफरेंट फ्रेंड्स भी आपको डिफरेंट तरीके से एक्सपीरियंसेस करते हैं। अगर आपका स्पिरिचुअल ग्रुप है तो स्पिरिचुअल फ्रेंड आपको एक तरीके से देखते हैं और कुछ फ्रेंड दूसरे तरीके से देखते हैं। वास्तविकता में आप क्या हैं? जो उसकी नज़र देख रही है, देखने वाले की नज़र है, वो आप हैं या वास्तविकता में आप कुछ और हैं? जो आप असली हैं वो एक कॉन्शियसनेस है, सिर्फ एक्सपीरियंस कर रही है। मल्टीपल आँखें जो हमें ऑब्जर्व कर रही हैं वो हमारा जगत है, वो हमारा एक्सपीरियंसेस है। एक अनेक में विभक्त हो गया, इसीलिए वो मल्टीपल एक्सपीरियंसेस कर पा रहा है। यही क्रिएशन का सिद्धांत है। मेथड बहुत सरल है। आप जो मल्टीपल आईज हैं वो एक बल्ब की तरह हैं जो आपको रिफ्लेक्ट कर रही हैं, और आप जो इनविजिबल हो, सूक्ष्म हो, और मल्टीपल जो लाइट्स का जो प्रकाश है उसके थ्रू जो शेड्स क्रिएट हो रही हैं उससे आपका जीवन प्रकट हो रहा है। हम एक बार में सारे रिफ्लेक्टर बंद कर देते हैं, सारे बल्ब एक साथ बंद हो जाते हैं। हम उसके बाद क्लियर इंटेंशन देते हैं जैसा एक्सपीरियंस हम आज के बाद करना चाहते हैं, और उसके बाद वन बाय वन सारे बल्ब बदलना शुरू होते हैं। इन ड्यू कोर्स सारा जगत जैसा आप चाहते हैं उस तरह आपको रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि हम अब इसको कॉन्शियसली क्रिएट कर रहे हैं। सारे बल्ब बंद, एक सेकंड के लिए रंगमंच पे पर्दा गिर गया। उस स्टेज में हम अपने फ्यूचर को याद करते हुए जहाँ से हम आए हैं एक बार अपने फ्यूचर के हायर सेल्फ से कनेक्ट करेंगे, और उसके बाद वन बाय वन सारे रिफ्लेक्टर ऑन होंगे, सारे बल्ब ऑन होंगे, लेकिन ये पहले से डिफरेंट होंगे। जब ये बल्ब दोबारा एक्टिव होंगे तो बल्ब तो सेम ही होंगे, लेकिन उनके अंदर जो आपको देखने का भाव है वो डिफरेंट होगा। प्रेम, स्नेह, आदर, यही नए जगत का आधार है। पुराना जगत ड्वेलिटी पे बेस्ड था, वो उसको अनुभव करना चाहता था। अब इस कड़वाहट से मुक्ति का समय है। नए मॉर्फोगेनेटिक फील्ड में, आकाशिक रिकॉर्ड में चेंज करने का समय है। सो मेडिटेशन के लिए तैयार हूँ। कमर सीधी, जीभ मोड़ के तालू से लगा लें अगर लगा सकते हैं तो। रिलैक्स्ड कनेक्ट करें अपनी आत्मा की गहराइयों से। हम प्योर सोल हैं, एक्सपीरियंसेस कर रही है। अपने हृदय की गहराइयों में प्रवेश करें।
अपने क्रिएटर के रोल से एक बार सिंक्रोनाइज्ड हों। हार्ट में वाइब्रेशंस प्रेम की वाइब्रेशन है। अपनी चेतना को थर्ड आई में लाएं, थर्ड आई में डिविनिटी की वाइब्रेशन है। दोनों वाइब्रेशन से कनेक्ट करते हुए जब हार्ट खुलता है और थर्ड आई, दोनों एक साथ वाइब्रेट होती हैं, नए क्रिएशन का आधार बनता है, प्रेम से नया क्रिएशन हो रहा है। थोड़े समय इसी स्टेज में दोनों चक्रों पर एक साथ ध्यान करते हुए धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने शरीर से बाहर आठवें चक्र पे 50 सेंटीमीटर टू 1 मीटर, हर एक के लिए अलग अलग है वो, जितना को ऊपर ले जाते जाएं, जहाँ पे भी रेजिस्टेंस महसूस होता है, ये 8th चक्र है। 8th चक्र में हमारे हायर सेल्फ की फ्रीक्वेंसी, तीनों चक्र एक साथ हमारी कॉन्शियसनेस, तीन चक्रों पे तीनों मिलके एक ब्यूटीफुल म्यूजिक, एक ब्यूटीफुल फ्रीक्वेंसी का निर्माण करते हैं। इस क्वांटम स्पेस में आप देखें कि इस जगत को एक्सपीरियंसेस करने के लिए मल्टीपल आँखें हैं जो आपको एक्सपीरियंस करती हैं, जिसके थ्रू आप एक्सपीरियंसेस कर रहे हो। संपूर्ण जगत आपका रिफ्लेक्शन है। सारे रिफ्लेक्टर बल्बों की तरह हैं। हर रिफ्लेक्टर आपको अपनी चेतना के स्तर से एक्सपीरियंस कर रहा है, वो उसकी रियलिटी है। हर रिफ्लेक्टर अपने स्तर पे एक्सपीरियंस कर रहा है। कुछ आपको अपने से बड़ा मानते हैं, कुछ अपने से छोटा मानते हैं, कुछ आपको अपने दादा दादी पिता माता की तरह देखते हैं, कुछ आपको अपने बच्चों की तरह देखते हैं, कुछ दोस्त हैं, कुछ दुश्मन हैं, कुछ प्रेम करते हैं, कुछ कम प्रेम करते हैं, कुछ नफरत करते हैं। अनेक रिफ्लेक्टर, मल्टीपल रिफ्लेक्टर। अपने संपूर्ण जगत को 1 सेकंड के लिए विजुलाइज करें। आपका सारा जगत, आपका सारा ब्रह्मांड, आपके सारे एक्सपीरियंसेस, ये सब आपका एक्सपीरियंसेस हैं। स्विच ऑफ, सारे रिफ्लेक्टर, सारे बल्ब एक साथ बंद। कंप्लीट डार्कनेस, सिर्फ चमकता हुआ ब्लैक रंगमंच का स्टेज। एक बार फिर चेतना को अपने हार्ट चक्र में, अपनी थर्ड आई में, अपने 8th चक्र में, तीनों चक्रों से पे तीनों चक्रों के प्रति जागरूक होते हुए अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करें। वो हायर सेल्फ जो असेंशन के बाद भी जिसका अस्तित्व है, एक ऐसा जगत, हमारा घर, जहाँ पे सब ह्यूमैनिटी वननेस में जीती है। हर आँख दूसरी आँख को प्रेम, आदर, स्नेह, उसकी यूनिकनेस की रिस्पेक्ट करते हुए उसको एक्सपीरियंस करती है। अपने हृदय में अबेंडेंस, समृद्धि को महसूस करें। हमारी अनंत संभावनाएं, हमारा दिव्य पोटेंशियल और हमारा स्वभाव, मूल स्वभाव वननेस, इसकी खुशी और इसका उत्साह। और जब ये जगत कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में इस तरह होगा तो ये जगत कैसा होगा, इसको एक बार अपने हृदय से महसूस करें। इस वाइब्रेशन और एनर्जी के साथ हम स्विच दोबारा ऑन करते हैं। एक एक करके सारे बल्ब 1 by 1 दोबारा पावर ऑन हो रहे हैं। देखने में पहले जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन फिर भी पहले से अलग हैं, न्यू एनर्जी के साथ हैं। न्यू एनर्जी की इन्फॉर्मेशन के साथ इन ड्यू कोर्स ये सारे रिफ्लेक्टर बदलेंगे, जिसके थ्रू आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा। हर एक रिफ्लेक्टर जब ऑन होता है तो आपके अंदर उसका उत्साह, उसकी खुशी, इस
नई कॉन्शियसनेस में, नए समय में हम न्यू रियलिटी को आज से क्रिएट करके एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब सारे रिफ्लेक्टर आपके लिए नए अनुभव की रियलिटी को क्रिएट करेंगे, प्रेम, स्नेह और आदर से भरी हुई। इट इज डन। हम इस न्यू रियलिटी को, ब्रह्मांड के सारे पार्टिकल आज और अभी से प्रकट करना शुरू कर रहे हैं। इसको फिक्स करते हैं, इस समय और भविष्य के सारे टाइमलाइन के वेरिएशंस के लिए ये रियलिटी आज और अभी से फिक्स है। थैंक यू वेरी मच। धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आते हुए आंखें खोल सकते हैं। हमारे रिफ्लेक्शन, जिस जगत को हमने एक्सपीरियंस किया है, ये नेक्स्ट डायमेंशन का आधार है। अभी मैंने लास्ट मोमेंट पे देखा टेलीग्राम में मैसेज है, अरे 2025 में भी नहीं होगा असेंशन, या हमें कब होगा, सो ऑन। जब आप बदलोगे तब जगत बदलेगा। सी, अक्सर मैं कहता हूँ तो शायद कुछ लोग कम समझ पाते हैं कि असेंशन कैसे होगा। अगर या मैं कहता हूँ कि हम लोग सो रहे हैं, डीप स्लीप में हैं, कोमा में हैं बहुत लंबे समय से, तो जब जागेंगे तो असेंशन होगा, तो कुछ लोगों को समझ नहीं आता ये हमारा घर है, वो हमारा घर है, कब जागेंगे, कैसे जागेंगे। बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। हमारा हायर सेल्फ, जहाँ से हम आए हैं, जो हमारा घर है, जहाँ पे इस डायमेंशन की फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी में जब हम जो सो रहे हैं, इसमें ये एक अनुभव कर रहे हैं जो वहाँ पर नहीं हो सकता। गरीबी का, मिजरी का, कमी होने का, बीमारी का, प्रेम ना मिलने का, वहाँ पर प्रेम है, अबेंडेंस है, बीमारी नहीं है, एंड सो ऑन, संघर्ष नहीं है। ये एक्सपीरियंस करने के लिए हम यहाँ पर हैं। इस फ्रीक्वेंसी को हम उठा रहे हैं, उस फ्रीक्वेंसी के पास लाते लाते जब हम इस ड्रीम में आएंगे, ये दोनों ड्रीम ओवरलैप हो जाएंगे, तब हमारी आँखें वहाँ पर खुलेंगी और हम उस फ्रीक्वेंसी में होंगे। दैट इज़ द असेंशन, दैट इज़ हैपनिंग। लेकिन अब विशफुल थिंकिंग कि 2025 में नहीं होगा, जो आप क्वेश्चन पूछते हो, आप अपने आप को बदलना नहीं चाहते, आप अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज करेंगे। सब मिल के हम कर रहे हैं, एक हम सब मिल के इस फ्रीक्वेंसी को जब वहाँ पर ले आएंगे, तब हमारी आंखें खुलेंगी और हम वहाँ पर जाग चुके होंगे। दैट इज वाट वी आर डूइंग, दैट इज द असेंशन। इस अवेकनिंग की जो सो कॉल्ड बातें होती हैं, इसमें हमेशा दो के पेयर उन्होंने बना दिए हैं कि एक डार्क है और एक गुड है, और दोनों के बीच में संघर्ष है। प्लेडियन हमें सेव करेंगे, कोबरा की मदरशिप हमें सेव करेंगी। और मैं कई बार पूछ चुका हूँ कि आप सोचो कि महाभारत का युद्ध चल रहा है, कौरवों की सेना है, पांडवों की सेना है, 11 अक्षौणी लोग जो हैं वो कौरवों की सेना में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 7 अक्षौणी पांडवों की है, जो सैनिक हैं उनका क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आपको लगता है कि वो भगवान के झंडे के बैनर में युद्ध कर रहे थे तो उनको स्वर्ग में मिल जाएंगे या वो मुक्त हो जाएंगे? नथिंग। युद्ध वाले युद्ध में ही रहेंगे। हमेशा दो एनर्जीज इस थर्ड डायमेंशन की मैट्रिक्स को बनाने के लिए ऑलवेज थी। राम रावण का युद्ध खत्म हो गया, महाभारत खत्म हो गई, जब तक ये ड्वेलिटी जिसके अंदर रहेगी वो इसी ड्वेलिटी को एनर्जी देता रहेगा। इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो किस साइड में है, उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी साइड अपने आप प्रकट हो जाती है। सिर्फ ये युद्ध तब कम होगा जब ये पेंडुलम कम होता जाएगा और बीच में आ जाएगा। इसीलिए जो सो कॉल्ड अवेकनिंग फैलाने वाले लोग हैं और वो पिलेडियन और मदरशिप से आपको सेव करने की बात करते हैं, वो सिर्फ इस पेंडुलम की दूसरी साइड में चले जाते हैं। एक साइड डार्क, जो एलियन एनर्जी या एलियन टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें गुलाम बनाए रखना चाहती हैं, अगर उसके अपोजिट वो बातें करते हैं और वो सोचते हैं कि वो अवेकनिंग की बातें कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट द अवेकनिंग। अवेकनिंग विल हैपन ऑन इफ यू रेज योर फ्रीक्वेंसी टू दैट लेवल जहाँ से आप आए हो, जो फिफ्थ डायमेंशन की फ्रीक्वेंसी है। जब उस फ्रीक्वेंसी में आप आओगे, वो फ्रीक्वेंसी मैच करेंगी,
आप नींद से जाग जाओगे और जहाँ पे आप होगे दैट इज आवर होम। इस होम को क्रिएट करने के लिए हम सब हैं, फ्रंट रनर की ज़्यादा जिम्मेदारी है। फ्रंट रनर उस फ्रीक्वेंसी को आकाशिक रिकॉर्ड में डाल सकते हैं। जो सो रहा है, जो बहुत डीप स्लीप में है, जिसको अभी तक ये नहीं पता कि असेंशन हो रहा है, इतना तमस में है कि वो महसूस नहीं कर सकता, वो तो नहीं कर सकता। जो फ्रंट रनर हैं वो कर सकते हैं, और लेकिन ये उनको बहुत तेज़ी से प्रभावित करेगा। जैसे मल्टीपल इसके एग्जाम्पल्स हैं, एक्सपेरिमेंट हैं, कि चूहे वाला एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है, कि चूहे का एक जो एक स्पीसीज थी चूहे की, वो एक चीज़ को बहुत खुश होकर खाती थी। तो उन्होंने चूहे को भूखा रखा और जैसे ही वो चीज़ लटकाई वो भागता हुआ आया, जैसे ही उसने चीज़ को झपटा उसको इमीडिएटली करंट लगा के मार दिया। 7 जनरेशन उस चूहे ने उस चीज़ को कभी नहीं खाया। कैसे पता लगा? क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आकाशिक रिकॉर्ड में फील्ड सेव हो गई और उसको वो एक्सेस करती रही उनकी जनरेशन चूहे की वेराइटी की। जानवर ईजिली कर लेते हैं, बहुत सिंपल जानवर है, भैंसा टाइप का है, उसकी सेंसरी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन वो जंगल में जा रहा होता है, उसको आगे खतरा दिखता है तो वो वहाँ से मुड़ जाता है। इस हद तक वो फील्ड को जानवर लोग करते हैं। एक स्पीसीज़ में कोई एक चेंज होता है, पूरे पृथ्वी पे उस स्पीसीज़ के सारे जानवरों में चेंज हो जाता है, क्योंकि वो मॉर्फोजेनेटिक फील्ड में चेंज हो जाता है। ह्यूमन के अंदर भी यही है, उसकी एक्सेस वो करता है, अनकॉन्शियसली कर रहा है। फ्रंट रनर इस फील्ड को चेंज कर रहे हैं, इस फ्रीक्वेंसी को ला रहे हैं जिसमें हम अवेक होके अपने घर वापस जा सकें। और ये फ्रीक्वेंसी आने वाले समय में बहुत आसान हो जाएगा, ऐसा लगता है कि अभी तक नहीं हो पा रहा था। रीज़न कि हम फिबोनाची स्पाइरल्स में बहुत स्लो कर पा रहे थे, हो रहा था लेकिन बहुत स्लो हो रहा था। अब फील्ड तैयार है, अब बहुत तेज़ी से ये हमारा एक परिवर्तन हमारे आसपास परिवर्तन को फैला सकता है, क्योंकि हम क्रिस्टल लाइन स्पाइरल के थ्रू काम कर रहे हैं। तो हमें इस पे काम करना है, और जब हम इस पे काम करेंगे तभी हम इसको कर पाएंगे। सो नाउ लेट अस डिस्कस द सेम टॉपिक विद योर क्वेश्चंस। सर जैसा कि ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सबसे पहले आपको आभार है आपके धैर्य के लिए, आप बड़ा पेशेंस के साथ हर चीज को मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं। सर आवाज आ रही है? जी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। अभी तो पहला क्वेश्चन है, अभी तो मेरे धैर्य का टेस्ट नहीं हुआ, ये तो 2 घंटे बाद करने का। हमारे पास इतना सामर्थ्य भी नहीं है कि आपके धैर्य को, हम देख चुके हैं आपके धैर्य को, इतना धैर्य सबके लिए संभव नहीं है। जी सर, जैसे आपने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके थे, इवेंट का टाइम 2025 एक्सपेक्टेड है, राइट? सो मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल ये है कि जैसे आपने हमें समझाया है कि अपने सारे बिलीफ सिस्टम, जितनी भी नॉलेज थी जो हमने सही गलत जो 3D से रिलेटेड है, उनको सबको ड्रॉप करके हमें 5D की तरफ बढ़ना है, राइट सर? तो ये जो जैसे मैं टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, तो सोल फैमिली में बहुत सारे सवाल, अनुभव और ये सब आते हैं, तो क्या इनको भी ड्रॉप नहीं करना चाहिए? हमारा आपने जो जैसा बताया है कि समय सिर्फ प्रिपरेशन का है, तो हमें सिर्फ एक ही चीज पे फोकस होना चाहिए ना, कि जैसे कि सिर्फ प्रिपरेशन, रेस्ट एवरीथिंग वी शुड नॉट ड्रॉप। आई थिंक वी शुड ड्रॉप एवरीथिंग, चाहे वो क्वेश्चन है हमारे, चाहे वो, सब लोगों के अनुभव भी डिफरेंट होंगे क्योंकि वो एक डिफरेंट फ्रिक्वेंसी है, डिफरेंट पर्सनैलिटी है। तो एक ही कॉमन गोल होना चाहिए कि प्रिपरेशन ही करनी है। जब क्लैरिटी आ चुकी है कि दैट एक्सपेक्टेड इज इवेंट इज 25, सो ये सवाल और ये एक्सपीरियंसेस का जो एक सिलसिला जो चलता रहता है, क्या वो भी ड्रॉप नहीं होना चाहिए? जी पॉइंट ये है कि डिफरेंट लोग डिफरेंट कॉन्शियसनेस के लेवल पे हैं, हर एक कॉन्शियसनेस उसको पूरी तरह समझ नहीं पा रही। जो जिस लेवल पे है वो उस लेवल पे उसकी क्यूरियसिटी होती है, उसके माइंड में कन्फ्लिक्ट होता है, उसको पूरी बात समझ नहीं आती, वो समझने की कोशिश करता है। तो ऐसे लोगों को भी साथ लेने के लिए हम कभी कभी उनके क्वेश्चन सुनते हैं, इसीलिए कम्युनिटी बनी है कि कम्युनिटी उनको हेल्प कर सके। लेकिन आपकी बात सही है, बेसिकली हमारा फोकस फुली हमारे उसकी ओर होना चाहिए, क्योंकि हम जिस
फील्ड में से गुजर रहे हैं उसमें जहाँ पे हमारा फोकस है वो वही रियलिटी क्रिएट करता है। और जो लोगों का फोकस अभी पुराने बिलीफ सिस्टम में है, अपने पुराने एक्सपीरियंसेस में लगा है, उसकी वजह से वो प्रोसेस स्लो होता है। जैसे कि आपने एक ही बार, सॉरी माफ, आप बोलिए प्लीज, आप अपनी बात पूरी करिए। 2025 भी फिक्स नहीं है, ये भी डायनामिक है, ये भी हमारी इस पे डिपेंड करता है कि किस स्पीड से हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, इससे पहले भी हो सकता है। इनफैक्ट शिफ्ट हैज़ ऑलरेडी बीन स्टार्टेड। मैं आपको बताता हूँ लेकिन आप समझ पाएँ या ना समझ पाएँ, शिफ्ट स्टार्ट हो चुका है उन लोगों के लिए जो बदल रहे हैं, जो उस फ्रिक्वेंसी में है वो उसको फील कर पा रहे हैं। तो शिफ्ट तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, लेकिन एक कलेक्टिव बहुत बड़ा शिफ्ट जो है इसको अगर हम 2025 में एक्सपेक्ट करते हैं, अगर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इसी डायनामिक गति से बढ़ती रही तो। जी सर, जैसे कि आपने बताया है कि शिफ्ट जो है 25 में एक्सपेक्टेड है, बट मेरे लिए तो वो आज 28 अप्रैल को भी खुला हुआ है ना, मेरी फ्रिक्वेंसी अगर उस वहां तक है तो जी, तो मेरे लिए तो सवाल ही नहीं होने चाहिए कि ये असेंड कब होगा। मैं तो आज भी असेंड हो सकता हूँ ना, जी आप आज भी मैं तो हो सकते हैं, बिल्कुल यही सत्य है। तो आज भी मैं असेंड हो चुका हूँ, तो अब सवाल ही खत्म हो जाता है ना सर, कि ये 25 में हो, 26 में हो, 7 में हो, फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो चीज आज भी एक्सेसिबल है जी। लेकिन जो अगर आपके लिए सवाल खत्म हो गया, लेकिन अगर कोई पर्सन उस चेतना में नहीं है, उसके लिए सवाल अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। गॉट माय पॉइंट सर? मैंने तो अभी अपनी फ्रिक्वेंसी जज भी नहीं करी है, मैं नहीं जानता हूं मैं कहां हूं, बट कोर्स में आपने इतनी क्लैरिटी पहले ही दे दी है, तो शायद सवाल खत्म हो रहे हैं। जो आपने मुझे पिछले सेशन में 7 अप्रैल में बोला था कि अपने सारे बिलीफ सिस्टम को आप ड्रॉप कर दीजिए पुराने, वो ड्रॉप कर दिया, देन ये जब टेलीग्राम से जुड़ा तब लगा कि अनुभव और ये सब चीजें भी चल रही है, तो क्या ये स्लो करता है? मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये चीज हमारी जर्नी को स्लो करता है, असेंडिंग वाले प्रोसेस को स्लो कर रहा है। जितने हमारे अगर 100 डाउट्स आ रहे हैं, तो इट मीन हम डाउट्स की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, क्वेश्चन की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, और अपनी प्रिपरेशन की तरफ शायद थोड़ा स्लो हो रहे हैं। मैं भी आपसे सहमत करता हूं और इसूबी जी भी इससे सहमत हैं। कई बार ग्रुप के जब क्वेश्चंस होते हैं तो वो सोचती हैं कि हमारी पूरी मेहनत के बाद भी हम वो अफेक्ट अभी तक नहीं ला पा रहे जितना हम ला सकते थे। लेकिन मैं सोचता हूं, जैसे आपने पहले कहा, धैर्य की तरह हर एक को हम एक कम्युनिटी फ्रंट रनर का रोल क्या है, जो कमज़ोर है उसका भी हाथ पकड़ के उसको साथ लेके चलना। मुझे भी लगता है कि ये क्वेश्चन अब बेकार का है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक आंसर दे के उनको अगर सहारा मिल जाए तो वो फास्ट चल सकते हैं। नहीं सर, वो आपका बड़प्पन है और वो एक मेंटर का काम भी है, कि एक ब्रिज का जब आप कहते हो तो वो ब्रिज अपने अकेले के लिए नहीं है, अदरवाइज तो आप अपनी जर्नी असेंड डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन आपका कॉमन गोल सबके लिए भलाई के लिए है, जो वननेस है, वो एक्चुअल में वननेस वही है, जो अपने से हटके दूसरों की तरफ ध्यान चला गया है, उनको असेंड कराना। अदरवाइज तो आप सिंपली अपना फोकस करके एंड यू कैन असेंड योरसेल्फ, बट वो आपका ऑब्जेक्टिव है नहीं कहीं ना कहीं। तो यही मैं सोचता हूँ कि आपके क्वेश्चन से जो लोग सुन रहे हैं वो सब समझेंगे कि हमें अपनी प्रायोरिटीज को कहाँ पे फिक्स करना है। सर, हम द्वंद में फंस रहे हैं इन एक्सपीरियंसेस को लेके। हो सकता है मुझे कुछ एक्सपीरियंस हो जाए, आज मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ तो कल दूसरा हो, तो मैं अगर इन्हीं एक्सपीरियंसेस के द्वंद में फंसा रहा तो मैं अपनी जर्नी को कहीं स्लो नहीं करूंगा। जी, यस यस, यू आर राइट। यही तो एक बात है, जो डिफरेंट स्तर पे जो लोग हैं वो डिफरेंट, वो उसको परसीव ही नहीं कर सकते। यही एक समर्पण सर, उसमें सबसे साधन सबसे सिंपल है कि समर्पण करके जो एक मेंटोर से हम जो एक रास्ता जो हमें दिखा रहे हैं उस लालटेन के पीछे चलते रहे। अब सामने गड्ढा आ रहा है, हम किधर हैं नहीं, उसमें इतना ज्यादा सोचना क्यों है, हमें सब कुछ समर्पण करके आप लालटेन की तरफ बढ़ते रहना चाहिए, जब हमें पता है कि हमारे पास मार्गदर्शन करने के लिए इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, मास्टर हैं हमारे पास। बहुत आपने जो शब्द यूज किया है समर्पण, ये समर्पण शब्द को कोई भी नहीं समझ सकता। समर्पण एनलाइटमेंट से एक स्टेप पहले है। समर्पण सिर्फ तब होता है जब आप जान जाते हो कि आप क्रिएटर हो। इसके पहले का सारा समर्पण यूजलेस है, वो कोई सिर्फ एक शब्द है। सी, तो आप कैसे समर्पण कर सकते हो, या कोई और कैसे समर्पण कर सकता है? मेंटर पे नहीं कर सकता, भगवान पे भी नहीं कर सकता। कहेगा तो झूठ बोलेगा, वो सोचता है कि मैं मंदिर चला गया और भगवान मेरी रक्षा करेंगे और एंड सो ऑन। समर्पण तब होता है जब आप जानते हो कि आप क्रिएटर हो, सारी रियलिटी आप क्रिएट कर रहे हो, ओनली देन द सरेंडर विल हैपन।
अदरवाइज इट्स ओनली सिंगल वर्ड। पर उससे सर इससे समर्पण अगर हम अंदर से लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं ये द्वंद खत्म होने की स्थिति आ सकती है। आपका बिल्कुल सही बात, समर्पण से जर्नी बहुत फास्ट होती है। मेरे अंदर सिर्फ एक पॉजिटिव गुण था कि मैं जब भी अपने गुरु के पास जाता था मेरे फिल्टर ड्रॉप हो जाते हैं। इस मैं वहाँ पे मेरे अंदर क्वेश्चन नहीं आता, जो वो कहते हैं मेरे अंदर ट्रांसमिट होता रहता था। बस एक यही मेरे अंदर एक गुण था। और अधिकांश आप मालूम, मैंने पहले मेंशन किया था परमहंस सत्यानंद सरस्वती बिहार स्कूल ऑफ योगा के, तो वो अपने गुरु जब उनसे मिले डिवाइन लाइफ सोसाइटी वाले, तो 5 साल तक वहाँ पे काम करते रहे, ये करो वो करो, बहुत ज़्यादा काम करते थे, लेकिन उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा मैं आश्रम छोड़ के जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आपको तो फ्री के ब्रह्मचारी चाहिए, फ्री के नौकर चाहिए, यहाँ पे कोई तनख्वाह मिलती नहीं है, तो आप मुझे कुछ सिखाना नहीं चाहते। तो वो उन्होंने कहा ठीक है, वो छोड़ के जाने लगे। फिर वो वापस आए, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बाद में लिखा वो एक फील्ड थी, जब उस फील्ड में पहुँचे तो वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है। सारा ज्ञान ट्रांसमिट होता है जब उस एक फ्रिक्वेंसी फील्ड में आप चले जाते हो, तब वो ट्रांसमिट होता है। लेकिन अधिकांश लोग सरेंडर इसलिए नहीं कर पाते, जब सत्यानंद सरस्वती जैसा रियलाइज मास्टर अपने गुरु के साथ 5 साल के बाद वो क्वेश्चन उठा रहा था, तो आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई आदमी अपने मेंटर को ऊपर सरेंडर कर देगा। इट्स नॉट पॉसिबल। वी हैव टू मच लॉजिकल माइंड। जर्नी जो है लॉजिकल माइंड से लेकर हार्ट तक की है। हार्ट हमारा एजुकेशन सिस्टम की वजह से बहुत वीक है, वो हर चीज़ को लॉजिक से जज करना चाहता है, अपने गुरु को भी लॉजिक से देखना चाहता है। उसके लॉजिक में अगर फिट है, उसके चश्मे से फिट है, तब तो वो उसको विश्वास करता है, नहीं तो नहीं करता। दैट इज द प्रॉब्लम। बट सर इसमें ये भी तो है कि कोई हो सकता है 9 कार्ड पे चला जाए, 12 पे चला जाए, 13 पे, पर वापस ड्रॉप होने के चांसेस भी तो बने रहते हैं ना, अगर हम इतने ही कार्ड पे सबसे ज्यादा ड्रॉप होने के चांसेस हैं। अगर हम लोगों ने बचपन में सांप सीढ़ी की गेम खेली थी, उसमें एक सबसे लंबा सांप होता था 99 नंबर पे, और 99 नंबर पे वो सांप काटता था, वो 18 कार्ड है। 18 कार्ड तक गिरने की संभावना सबसे ज्यादा है, इसीलिए मैंने पिछली बार 18 कार्ड के ऊपर बोला था। और 18 कार्ड से पार कैसे जाएंगे? 18 कार्ड से सिर्फ वो पार जा पाएगा जो मुड़ के एक बार पीछे नहीं देखेगा। इसको अब हमें अपने आप को ट्रेंड करने की जरूरत है, अपने अंदर इतना ट्रस्ट लाना और आगे चलते रहना। बहुत सारे सवाल ये भी देखे हैं मैंने, और हो सकता है ये आप मार्गदर्शन कर सकते हो। 3D की बॉडी से इतना प्यार क्यों है कि हम ये बार बार सवाल उठाते हैं कि क्या हम लोग नेक्स्ट 5D में है, क्या हम जिंदा रहेंगे, क्या यही बॉडी रहेगी? मतलब इस 3D बॉडी से इतना 5 एलिमेंट वाली से इतना प्यार क्यों है, जब 5th D में हमारे पास अबेंडेंस है, पेन नहीं है, मिजरी नहीं है, किसी चीज की इश्यूज ही नहीं है, तो उस चीज में इतना इस 3D के रिसाइकल्ड वाली चीज से इतना ज्यादा सवाल क्यों है? सर फिर मेरी पहले वाली बात आप अभी भी नहीं समझ पाए कि डिफरेंट लोग डिफरेंट कॉन्शियसनेस के लेवल पे हैं, वो अभी उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझ गए, आपको बधाई है, आपकी जर्नी फास्ट हो, और आपके क्वेश्चन से बाकी लोग समझें कि उनकी प्रायोरिटीज क्या होंगी। आई विश लोग राहुल जी के क्वेश्चन को थोड़ा सा सीरियसली लेके अपनी प्रायोरिटीज को रीडिसाइड करें। मैं ये अपने बारे में नहीं चाहता हूँ, क्योंकि एक ग्रुप फैमिली है, पूरी सोल फैमिली है। अगर सब लोग इस तरफ से जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली मुझे ही हेल्प करेंगे। अगर वो असेशन वो मुझे इनडायरेक्टली हेल्प करेंगे, अगर 5,000 लोग इस ग्रुप से जुड़े हैं तो 5,000 अगर उस चीज को समझ के अपनी प्रिपरेशन पे ही ध्यान दें तो कहीं ना कहीं मेरी हेल्प कर रहे हैं। ओके राहुल जी, थैंक यू वेरी मच। स्नेहा जी, थैंक यू सो मच। राहुल जी आपके पीछे 5 लोग और है। स्नेहा जी अब हाँ जी, हेलो हेलो, हाँ जी, कैन यू हियर? ओके ओके, हाँ जी, थैंक यू। नमस्ते प्रवीण जी। नमस्ते जी, कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया, ठीक है, थैंक यू। वही पहले तो थैंक यू है कि इस ग्रुप में वैसे मैंने बहुत ज्यादा लर्न किया है, कुछ कुछ गैप्स थे जो फिल हो गए हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो थोड़ा एक क्वेश्चन था मेरा उसमें, क्योंकि मैं काफी जैसे बर्ड्स और प्लांट्स लवर हुआ करती थी शुरू से ही, तो अभी जब ये चीजें थोड़ी खुल रही हैं, पता चल रहा है, तो थोड़े से कंफ्यूजन उसमें ये आ जाता है कि फिर असली है क्या एक्चुअली ह्यूमन का? तो ठीक है, पता चल गया कि क्या है, कुछ है थोड़ा, तो अभी मुझे ये थोड़ा समझने में हो रहा है कि जो नेचर जो है, जो हम देखते हैं 3D में, जैसे ट्रीज हैं, बर्ड्स हैं,
क्या वो भी मैट्रिक्स का हिस्सा है और वो रियल है कि क्या है? सी, आप सपना जब आप देखते हो, जब आप सपने में होते हो, तो सपना में सब कुछ असली लगता है। सेम वे, जब जब हम इस सपने में हैं, तो सब कुछ असली भी है और नकली भी है। लेकिन अगर आप इस अगर आपने ट्री और एनिमल्स की बात की, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि फर्स्ट जो सोर्स से, जो जितना दूर है सोर्स से, फर्स्ट जो रियलिटी का क्रिएशन होता है, दैट इज जिसको हम कहते हैं ये नॉन मूवेबल है, इसमें जीवन नहीं है। मेटल, मिनरल और ये क्रिस्टल भी उसी का हिस्सा है। इसको हम चाहे कुछ भी माने, लेकिन ये भी उसी सोर्स का क्रिएशन है। सेकेंड लेवल का जो क्रिएशन है, पेड़ पौधे और जीवन, थर्ड लेवल पे हम हैं, हम भी सोर्स से। अगर ये ऑल ऑफ इसको अगर हम नाइन माने, ठीक है, नाइन लेवल तक, तो थर्ड लेवल पे हम हैं, नाइन लेवल पे सोर्स है। और इसको हमारे शास्त्रों में सात लोगों के, सात लोग कहे, सात लोग ऊपर के, सात लोग नीचे के, ओम भूर्भुवः स्वः, उन्होंने इन दो को थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी, फर्स्ट और टू सेकंड लेवल की डायमेंशंस को, क्योंकि ये शायद इनके इवॉल्व होने का प्रोसेस कुछ और होता होगा। लेकिन ये पूरा जगत ही माया है, हम और हमारी रियलिटी और हमारे फैमिली भी। तो इन दैट केस, अगर ये सब माया है, तो ये पेड़ पौधे और ये क्रिस्टल माया का हिस्सा क्यों नहीं होंगे? हाँ जी, वही, क्योंकि फिर मुझे सवाल आता है, जब महात्मा बुद्ध, राइट, वो गए थे ह्यूमंस को छोड़ के, मान लीजिए आपकी फैमिली ये वो छोड़ के, लेकिन फिर उन्होंने जंगल जैसे ट्रीज नेचर के आसपास, फिर वहां शरण क्यों ली? वो उनको कैसे हेल्प किए? फिर वो क्या था? वो भी तो माया ही था ना? नहीं, नेचुरली सपने के अंदर, जो टूल हैं सपने में अवेलेबल हैं, उन्हीं टूल्स की मदद से हम सपने से जागते हैं, ओके है ओके ना? तो व्हाट, आई डोंट नो व्हाट डू यू मीन कि वो उन्होंने पेड़ पौधों की शरण ली। अब मान लो कोई हिमालय में जाता है अपने परिवार को छोड़ के, तो आप कहोगे उन्होंने हिमालय की शरण ली? नो, वो एकांत में जाने के लिए, जहाँ पे वो फैमिली से दूर थे, वो जगह गए, वो जंगल में गए होंगे या हिमालय में गए होंगे, एंड सो ऑन। हाउ डज इट ओके मैटर, है ना? ओके मैं वही सोच रही थी कि वो मेन बात तो मुझे समझ में आ गई कि जी यहाँ पे जो भी है एनर्जी है जिसको हम मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो एक और मुझे पूछना था, सॉरी मैं टाइम ले रही, तो छोटा सा है, तो मुझे पूछिए। पूछना था, लास्ट वीक जैसे रिसेंटली, अब तो इतना मतलब अवेयरनेस तो हो गई है काफी, तो क्या हुआ कि मैं जब मेडिटेशन करने के बाद सुबह ही, तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही काउच पे लेट गई, तो थोड़ा ऐसे लगा कि नींद आ गई या नहीं आई, कुछ ऐसा बीच में था कुछ, तो मुझे सपने में एक आया कि मैं एक आईने के सामने खड़ी हूँ और वो आईना पूरा, उसके सामने वो फॉग हो गई है, मतलब मैं डिसअपियर हो गई हूँ वहां से। तो मुझे वो समझ में नहीं आया कि 3D से कुछ हुआ है, लेकिन मैं जाग भी रही थी, ये भी नहीं है कि वो पूरा सपना था, मैं जाग भी रही थी और सपने में फिर मुझे लगा कि मेरी, और मैं पता नहीं, मैं खुद ही बोल रही हूँ कि मेरी जर्नी स्टार्ट हो रही है। और जब जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई तो लगा फिर मेरा जो राइट पैर है ना, जो यूजली जब मैं जर्नी ऐसे मुझे लगता है, तो मेरे पैरों के जो बीच का नीचे का जो तला होता है ना, वो ट्विचिंग करने लगता है, तो वो एक्चुअल में ट्विचिंग कर रहा था राइट पैर के नीचे का। तो फिर मुझे लगा कि हाँ मेरी जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन में आ गया कि क्या मतलब डिसअपियर जो हुआ, जा फॉग आ गई, मैं डिसअपियर हो गई के आईने के सामने फॉग हो गई? ये जो जो ये मैट्रिक्स जो उसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, है ना, एक सेकंड के लिए रंगमंच, हमें हमने मेडिटेशन किया था सोलर एक्लिप्स के दिन, कि उसने उसको ढक लिया, एक सेकंड के लिए फॉग हो गया या रंगमंच पे पर्दा गिर गया। उसके बाद जब पर्दा हटा, तो जगत नया प्रकट होना शुरू हो गया। हम सारे लोग उसके वर्ज पे खड़े हुए हैं कि पुराना रंगमंच का पर्दा गिरने वाला है और नया प्रकट होने वाला है। कुछ के लिए हो गया, बहुत कम लोगों के लिए, कुछ के लिए होने वाला है। तो ये इस तरह का साइन मान सकती हैं आप, एक सेकंड के लिए फॉग। सी, बहुत थिन जो फॉरगेटफुलनेस, जो पर्दा है, ये जो बहुत पहले दीवार थी, उस पार देख नहीं सकते थे, फिर दीवार पतली पतली होते हुए पर्दा रह गया, अब झीना पर्दा है। और वो पर्दा भी एक तरह से एक सेकंड के लिए आपके लिए वो फॉग की तरह आ गया। हम उस पार जा सकते हैं, अब दीवार टूट चुकी है, अब एक फॉग है, लेकिन वो फॉग दीवार की तरह, हमें, जो लोग नहीं जानते, उनके लिए वो सॉलिड दीवार है कि उस तरफ नहीं जाया जा सकता, इम्पॉसिबल है। वेयर एज इट इज ओनली ए फॉग, एवरीबॉडी कैन गो अगर दे कुड सी बियॉन्ड द फॉग। और ये हमारा काम है, उनको बताना कि बियॉन्ड द फॉग इज पॉसिबल राइट नाउ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो गुड साइन था कि मुझे अभी दीवार नहीं, मुझे फॉग दिखाई गई कि वो अभी जी लाइट है।
द वेल इज गेटिंग थिनर एंड थिनर, इट विल डिसअपियर. नहीं सर, इट्स ग्रेट न्यूज, थैंक यू सो मच. मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या हो गया, फॉग क्यों हो गई है. ठीक, बट या थैंक यू सो मच, रियली थैंक यू, अप्रिशिएट फॉर ऑल द एवरीथिंग. बेस्ट. रवि जी नमस्ते सर. नमस्ते जी. अच्छा सर, आपने गुरु की बात की के जो आपने एग्जांपल दिया रेफरेंस के, गुरु की फील्ड से फिर वो नॉलेज ट्रांसमिट होती है. तो क्या सर, जैसे हम दूर बैठे हुए हैं तो क्या फिजिकल गुरु का होना जरूरी है, या ये जो कम्युनिकेशन का माध्यम है यहाँ से भी हम नॉलेज गेन कर सकते हैं? यहाँ से भी कर सकते हैं अगर आप उस फ्रीक्वेंसी को टच करके महसूस कर सकें तो, देर इज नो प्रॉब्लम. वेयर एज जब हम उस फिजिकल फील्ड में आते हैं, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसी है, हम फिजिकल फील्ड में आके उसको जब हम एक्सपीरियंस करते हैं तो कुछ लोगों के लिए वो ज़्यादा इफेक्टिव हो पाता है, क्योंकि वो हर चीज़ फिजिकलिटी में जानना चाहते हैं, लेकिन पॉसिबल है. ठीक है. जैसे सर एक और भी है कि फिजिकल, जैसे आपने कहा तो वो जैसे हम बुजुर्ग हैं या जो एनलाइटन बींग हैं वो आशीर्वाद देते हैं, तो वो जैसे अपनी एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं या अपनी फील्ड में, तो इन चीजों से भी जैसे हमारा एक फर्क पड़ता है सर इनसे, इनसे इसी से बहुत फर्क रिलेटेड कि पड़ता अगर है, फिजिकल होना. इंटेंशन से बहुत फर्क पड़ता है. सी पूरा जगत अगर मेरा क्रिएशन है तो, और मेरे क्रिएशन में मैं चाहता हूँ किसी पर्सन को पास जाके देखा और भाव आ गया, वो भाव उसको क्रिएट कर देता है. पहले भारत में जो बुजुर्ग लोग थे वो मरने के लिए काशी चले जाते थे. काशी एक ऐसी क्षेत्र माना जाता था कि वहाँ पे माना जाता था उस समय बहुत सारे एनलाइटेंड बीइंग रहते हैं, उनके अंदर कंपैशन होता है. तो जिंदगी भर उन्होंने कभी कोई ऐसा स्पिरिचुअलिटी में काम नहीं किया, मरने का समय आ गया तो वो वहाँ चले जाते थे. वो ये भाव से जाते थे कि किसी एनलाइटेंड बीइंग की नज़र पड़ जाएगी, उसके अंदर भाव आ जाएगा तो हम मुक्त हो जाएंगे. सो इट इज़ पॉसिबल. अच्छा सर, दूसरा ये पूछना था आपसे कि मैं तो सर इस पे काम कर रहा हूँ अभी, अब ये भी फील होने लग गया कि ये पूरा सपना है और माया है, और तो लेकिन सर इन चीजों से और चीजें पे खत्म भी हो गई हैं, जैसे मतलब एक फाइनेंशियल जो स्ट्रगल है उन उस पे उतना वो अट्रैक्ट फोकस नहीं नहीं, कर रही खत्म हो गया. मुझे. हाँ मतलब वो अट्रैक्ट प्रायोरिटीज नहीं कर रही बदलनी मुझे, शुरू हो ये गई. करना है कि घूमना फिरना है, कहीं ट्रेवल करना है, ये भी सब चीजें खत्म होती जा रही हैं, आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं. तो क्या सर ये बात सही है वैसे, ये डिजायर अल्टीमेटली खत्म यही हो होना है, जाते हैं? क्योंकि इस मैट्रिक्स से वही मुक्त हो पाएगा जिसके अंदर कोई भी इच्छा नहीं होगी. सी मैट्रिक्स कैसे चलती है? मैट्रिक्स चलती है कि ये जो कॉन्शियसनेस है इसको वो कहती है तथास्तु, तथास्तु. मेरी ये इच्छा है तथास्तु, मेरी घूमने की इच्छा है तथास्तु, मेरी रिच बनने की इच्छा है तथास्तु, मेरी सन्यासी बनने की इच्छा है तथास्तु. सन्यासी बनने की इच्छा भी आपको मुक्ति नहीं दिला सकती, क्योंकि उसमें इच्छा है मैं सन्यासी बनूं. जब सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, मैट्रिक्स आपको बांध नहीं सकती, बिकॉज यू आर नॉट गिविंग एनर्जी टू दैट. मैट्रिक्स आपके जीवन आपकी एनर्जी से सस्टेन होता है. तो बहुत अच्छा है कि आपको इच्छाएं खत्म हो रही हैं, देन मैट्रिक्स आपको बांध नहीं सकती. ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट. नमस्ते एंड रवि जी पाकिस्तान से जी हैं, सर. जबकि जी सर, पाकिस्तान में इतने जो एनवायरनमेंट है इतना कंड्यूसिव नहीं है, इतना हेल्पफुल नहीं है जितना भारत में है. अनेक तरह की इनसिक्योरिटी के बीच में रह के भी काम कर रहे हैं. सो आई सिंसियरली अप्रिशिएट योर थैंक यू सर योर जी, एफर्ट. नमस्ते. यस वेलकम रवि. नमस्ते नमस्ते प्रवीण सर. जी. आई एम बैक टू इंडिया अमेरिका से, और जो आपने आज एक्सप्लेन किया मल्टीपल डायमेंशनल बीइंग है, व्हाट आई अंडरस्टूड इज कि लाइक वी आर इन द बबल एंड बबल इज ए काइंड ऑफ रिफ्लेक्टर. तो व्हाट एवर वी प्रोजेक्ट और व्हाट एवर वी वॉन्ट दैट इज क्रिएटेड. इज इट ट्रू? ठीक है ये कि अगर मैं मतलब अबेंडेंस यस लव इट इज ट्रू. ये सब मैं क्रिएट करती हूँ तो दैट इज द ट्रू थिंग. वी आर मल्टीपल डायमेंशनल बींग एंड वी कैन क्रिएट. ये तो सेंटेंस यहाँ पे ना रजिस्टर हो गया, वी कैन क्रिएट आवर ओन रियलिटी. तो लेकिन आई इसमें एम यहाँ पे दो बातें एक्सपीरियंसिंग. मिक्स हो गई हैं. मल्टी डायमेंशनलिटी अलग चीज है, और आप अपने हाँ क्रिएटर के जी रोल के प्रति जागरूक हो रही हैं, ये एक अलग चीज है. सो सेकंड कि ओके. आप अपनी रियलिटी अपने आप क्रिएट करती हैं, हमेशा से करती थी, कोई बदलाव नहीं आया. पहले अनकॉन्शियसली करती थी, उसमें पता नहीं लगता था, जो मर्जी क्रिएट हो गया, दुख भी हो गया और सुख भी हो गया. अब आप कॉन्शियसली जी क्रिएट करना शुरू कर रही हैं. जी तो फिर मल्टीपल डायमेंशनलिटी शायद मुझे अच्छे से समझ नहीं आया. मल्टीपल हम जो डायमेंशन है, इसका मतलब ये है कि हम डिफरेंट डायमेंशन में साइमल्टेनियसली जीते हैं, लेकिन हमें अवेयरनेस उसकी नहीं है.
जैसे इस अर्थ में मान लो हम एक सपना देख रहे हैं, तो ये सपना कौन देख रहा है? दैट इज माई हायर सेल्फ, वो वहां पे भी है और हम उसको एक एक्सपीरियंस करने के लिए वो यहाँ पे भी है। और मल्टी डायमेंशनली को आसानी से आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे अभी थोड़ी देर बाद हम सब लोग बेड में जाएंगे, सो जाएंगे, तो एक नया जगत प्रकट हो जाएगा। वो जगत असली लगेगा, लेकिन वेयर इज असली कौन सा है, जो बेड पे सो रहा है या जो सपना देख रहा है? दोनों डायमेंशन में आप एक साथ हैं, सपना देखने वाला ड्रीमर और जो ड्रीम के अंदर है सेम वे। लेकिन हम अभी हम अवेयर नहीं है, थर्ड डायमेंशन की रियलिटी में हमारे माइंड की कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है और हमारा डीएनए का जो एक्टिवेशन बहुत लिमिटेड है, हम उसको परसीव नहीं कर पाते कि हमारा हायर है। फिफ्थ डायमेंशन में हम थोड़ा सा इसको ज्यादा समझ जाएंगे। जी, आपसे अहमदाबाद में मिलेंगे फिर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते जी। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है, प्लीज। आ रही है। हाँ, नमस्ते सर। मैं अभी अभी ये ग्रुप से जुड़ी हूँ, तो मैंने सब प्रीवियस सब आपके जो वीडियो वो सब थे वो सुने। उसमें एक वो टाइमलाइन वाला जो मेडिटेशन था वो कल मैंने किया था, तो बहुत अफेक्टिव लगा। कल मेरी थोड़ी अनइजीनेस थी तबीयत, तो मैंने ऐसे ही टाइम दिया था कि मैं दोपहर तक अच्छी हो जाऊं, जो अनइजीनेस फील हो रही है वो ठीक हो जाए, ऐसे करके मैंने किया, तो दोपहर तक मैं एकदम ठीक हो गई। इसीलिए थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा वो दिया इसीलिए। और मेरा एक दो क्वेश्चन है सर। एक दूसरा भी वीडियो है 2 पॉइंट मेडिटेशन वाला, तो इसमें और वो टाइमलाइन में क्या फर्क है सर? दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों क्वांटम मेथड पे बेस्ड हैं। कि कुछ लोग विजुअलाइज नहीं कर पाते, आंखें बंद करके वो विजुलाइज नहीं कर पाते, वो फील करने की में उनकी बॉडी ज़्यादा होती है सेंसिटिव, तो इस केस में वो इसको ये कर सकते हैं इसलिए बस। अच्छा अच्छा। और दूसरा ये सर पूछना था कि ये एक बार करके छोड़ देना है कि सिर्फ अगर एक बार करके छोड़ देना? ऐसे को विजुलाइज करूं कि मैं एवोल्यूशन मेरा फास्ट हो, मेरे 6 महीने के अंदर मेरा ग्रोथ हो ऐसे, तो फिर 6 महीने तक करना है कि एक ही बार करना है? सिर्फ एक बार करना है, एक बार करके भूल जाना, बस वो करके भूल जाना है। और हमें सी जैसे मैंने अभी कहा कॉज एंड इफेक्ट, पता नहीं आपने शुरू से सुना कि नहीं, इसको एक्सप्लेन करने का मुझे एक बार और मौका मिल जाएगा आपके इस क्वेश्चन से हमने 6 महीने बाद आपने एक इफेक्ट क्रिएट किया, राइट? उस इफेक्ट को अब आपकी जो आपकी कॉन्शियसनेस है उस इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए सरकमस्टांसेस बनाती चली जाएगी कि आप उस इफेक्ट का एक्सपीरियंस कर सको। दैट इज द कॉज एंड इफेक्ट, यस। बस एक बार करना है, छोड़ देना है। और 6 मंथ का समय क्यों है? क्योंकि कॉन्शियसनेस उस समय को देना है जितने समय में कॉन्शियसनेस विद्रो ना करे, ऐसा कैसे होगा? अच्छा, इसलिए हम एक समय देते हैं, रीजनेबल समय, आप इमीडिएटली भी कर सकते हो, लेकिन कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट नहीं करती, तो इस केस में हम उसको लाइटली देते। और जैसे जैसे ये टूल आपने एक बार कल अपने बीमारी के लिए किया, इमीडिएट आपको रिजल्ट आया, 2-3 बार और करेंगी, जब हर बार रिजल्ट आएगा तो आपको कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट आ जाएगा कि आप क्रिएटर हो, फिर आप इस समय को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ जी सर। और एक क्वेश्चन था सर, क्रिया योग का जो है वो अहमदाबाद या गुजरात में कहीं है? बहुत सारे अहमदाबाद में सेंटर है, अगर आप ग्रुप में हैं तो वहाँ पे जी सर, उसमें पिंड फाइल में एक फाइल पड़ी हुई है क्रिया के एड्रेसेस की, उसमें जाके देखें, उसमें अहमदाबाद का एड्रेस है, उनसे फोन के पूछ के कॉन्टेक्ट पूछ सकती हैं कि कब होगा नेक्स्ट प्रोग्राम। ओके, थैंक यू सर। अब मिलेंगे यहाँ अहमदाबाद में जब आपका सेशन है, हमने भी फॉर्म तो फिलअप किया है, देखते हैं एक्सेप्ट होता है। हैप्पी टू सी यू। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। श्वेता जी। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल साफ आ रही है। हाँ जी सर, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ जी, आपसे ऐसे डायरेक्टली बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। यू आर जेन्युइनली अ वेरी इनोसेंट सोल, आई कैन फील दैट सर। थैंक यू जी। मेरा क्वेश्चन सर ये है कि जैसे पिछले एक कुछ क्वेश्चन आंसर के सेशन में
किसी व्यक्ति ने एक अनुभव उन्होंने मेंशन किया था कि वो कहीं पुणे में गए थे और वहां पे ग्रुप मेडिटेशन का था, फिर भी वहां वो रह नहीं पाए, मतलब वो फ्रीक्वेंसी डाइजेस्ट हो नहीं पाई. ओके, अब जहां तक मुझे लगता है सर, जब हम हायर डायमेंशंस के फ्रीक्वेंसी में ट्यून होते हैं, वहां हम सॉर्ट ऑफ वननेस यूनिटी में जाते हैं, अनकंडीशनल लव आता है. तो अगर हम मतलब और एक चीज, और एक पॉइंट जहां आपने बोला था कि हम अपने फैमिली में भी कुछ मतलब एक हद तक नहीं रह पाएंगे, तो ये कॉन्ट्रास्ट क्यों है सर? जब हम हाई फ्रिक्वेंसी में जाते हैं तब कोई भी आजू बाजू में हो, हम वो चीजें क्यों डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तब क्यों ऐसा होता है? जी नहीं, ऐसा ये डाइजेस्ट करने वाली बात नहीं है. ये सी मैं केसेस जानता हूँ. मैं उत्तरकाशी के और हिमालय में, उत्तरकाशी सिटी में भी नहीं, उसके बाहर एक गांव के में बहुत पीसफुल आश्रम में था, क्रिया योग आश्रम में, और वहाँ पे ग्रुप आया हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स का, और उसमें यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया थे, और ऑस्ट्रेलिया का एक आदमी था वो सुन नहीं पाता था, बचपन से बहरा था, तो उसको कम्युनिकेशन करने के लिए मेरी ज़रूरत पड़ती थी. एनी हाउ मैं उसकी बात समझ जाता था, उसको कोई भी चीज़ मांगनी होती थी या प्रश्न पूछना होता था तो वो मुझे ढूंढता था. उसने मुझे कहा कि यहाँ से हम लोग चलते हैं, यहाँ पर जो ग्रुप मेडिटेशन होता है वो मुझे सूट नहीं करता. वो बहुत सेंसिटिव था. जो ग्रुप में हम लोग मेडिटेशन भी करते थे तो भी जो सारे थॉट थे उस रूम की फ्रीक्वेंसी के अंदर थे, उससे वो डिस्ट्रैक्ट होता था, क्योंकि वो सेंसिटिव था, थॉट्स को रीड कर सकता था. इवन वो बचपन में जब उसने पहली बार उसके घर में पड़ोसी आए तो उसको इमीडिएटली थॉट्स उसको दिखाई दे गया कि ये पड़ोसी की डेथ होने वाली है. तो उसने कहा कि ये तो आप तो मरने वाले हो, दो तीन दिन बाद उनकी मदर ने उनको खींच के थप्पड़ मारा, ऐसे नहीं कहते. तो वो बाद में चुप हो गया, लेकिन वो सब वो उसके अंदर ये क्लैरवॉयंस बचपन से थी. सेंसिटिव लोग इसलिए वो मेडिटेशन नहीं कर पाता था. आप जो वननेस की बातें कर रहे हो, ये बहुत एडवांस स्टेज है. इसके बावजूद भी जो मान लो बीच की स्टेज में है, वननेस की डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन उनकी प्रायोरिटी है मेडिटेशन करना, और उस एनवायरनमेंट में मेडिटेशन नहीं हो पा रहा पुणे में, तो उन्होंने सोचा कि इससे क्या फ़ायदा, इससे अच्छा मैं घर जाके कहीं और जाके मेडिटेशन करता हूँ. दैट इज़ ओके, परफेक्टली ओके. और इसके अलावा जो बात आपने कही फ्रीक्वेंसी मिसमैच की, परिवार में वननेस होनी चाहिए तो ये फ्रीक्वेंसी मिसमैच क्यों होती है, ये पूरा जगत आपकी चेतना का क्रिएशन है. अभी तक की चेतना का ये क्रिएशन था. अब जब चेतना जिनकी बदल जाती है उनको इस जगत में वो मैच नहीं कर पाते, इसकी वजह से पुराने दोस्त पुराने सरकमस्टांस से छूट जाते हैं, नेक्स्ट लेवल की रियलिटी उनके लिए क्रिएट होना शुरू हो जाती है. इट इज़ ओके. इसके अलावा भी आप कहीं भी खोखले शब्द लोग लिख देते हैं, आई एम वी आर इन वननेस, दैट इज़ नॉट द वननेस. वननेस एक एक्सपीरियंस है. समाधि की स्टेज में आप एक्सपीरियंस करते हो कि यू आर वन. जब तक ये एक्सपीरियंस नहीं है तब तक एक शब्द है. शब्द का कोई महत्व नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है. तो ये एक्सपीरियंस जिनको होता है वो बदल जाते हैं. बाकी लोग उस प्रोसेस में हैं, अभी उनको एक्सपीरियंस नहीं है, बट दे आर इनटू दैट डायरेक्शन. जी थैंक यू सर. और एक कुछ अनुभव शेयर करने हैं. किसी चीज की अगर एक मन में अपोजिशन आ जाए तो उस टाइम मैं पर्सनली ऐसे खुद को बोलती हूँ कि नहीं, ये जो है सब भ्रम है, इट डजंट एग्जिस्ट, ये कुछ भी रियल नहीं है. और जो रियल है, जो मुझे अभी नहीं दिख रहा है ना, वहाँ वहाँ अनकंडीशनल लव है, वहाँ ईज है. तो ये मैं मतलब हर टाइम जब ऐसी चीज होती है, परिस्थितियां विपरीत होती है, वहां मैं एक खुद को समझ लेती हूँ ऐसे स्वयं सूचित करके. लेकिन अब सर लग रहा है कि मतलब एक बोलते हैं ना, एक प्यास सी के आ ही जाए अब वो जहाँ हम रियल में रहते हैं, या रियल हमारा वो रियल जो वर्ल्ड है वो. तो इस पर थोड़ा मुझे गाइड करिए सर कि एग्जैक्टली करना क्या है जब परिस्थितियां विपरीत होती है. जो परिस्थितियां हैं वो आपको कुछ या तो सिखाने के लिए आई हैं, आपके ट्रिगर हैं. अगर वो आपको ट्रिगर कर रही हैं, वो परिस्थितियाँ आपको सूट नहीं करती, तो वहाँ पे जो ट्रिगर है उस पर अभी पूरी तरीके से काम नहीं हुआ. वो काम थोड़ा सा उसके अंदर काम चलेगा तब वो ट्रिगर हटेंगे. जब ये ट्रिगर बंद हो जाएंगे तब आपने उसके ऊपर काम पूरी तरीके से कर लिया. लेकिन तब तक उस पर जब वो ट्रिगर आ गया, उस ट्रिगर से बचने का रास्ता क्या है? आपने अपने लिए ये रास्ता निकाला है कि मैं कहती हूँ कि असली नहीं है, इस केस में आपको थोड़ी हेल्प मिलती है, राइट?
और असली वास्तव में ये नहीं है, लेकिन जब तक हमारे एक्सपीरियंस में नहीं है तब तक तो असली है, तब तक तो दर्द भी होता है, भूख भी लगती है, गुस्सा भी आता है, तो डिप्रेस भी महसूस करते हैं, लेकिन इस रास्ते पे चल रहे हैं धीरे धीरे ये, या एकदम तेजी से खत्म हो जाएगा अगर आप पूरी मेमोरी हटा दें, तो सारे ट्रिगर हटा दें तो आज खत्म हो जाएगा। जी मतलब यहाँ भी हमें नो जो बोलते हैं ना, नो जस्टिफिकेशन एंड नो ऑल रेजिस्टेंस, नो एक्सेप्टेंस जस्टिफिकेशन, में, जी वैसे ही करके हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, वो आसान तरीका ओके है, वो हमें बीच में रखता है। जब भी हम एनर्जी, कोई भी चीज़ आपकी एनर्जी से वो प्रकट हो रही है, जितनी एनर्जी आप ज़्यादा देते हैं उतनी ज़्यादा वो प्रकट होती है, एनर्जी देना छोड़ देंगे छूट जाएगी, लेकिन हमें अपनी कड़वाहट बड़ी प्यारी है, इसकी वजह से कड़वाहट सदियों सदियों तक चलती रहती है। मैं लोगों से सुनता हूँ इसको मैं ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूँगा, इसका मतलब क्या है, ज़िंदगी भर कड़वाहट पालेंगे, दैट्स ऑल। जी सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और जब आप अनकंडीशनल लव इज एन अबंडेंस की उस दुनिया की बात करते हो ना, सच में बहुत अच्छा लगता है सर। थैंक यू सो मच फॉर ये जो गाइडिंग अस अच्छा सर। लगना है यही रेजोनेंस है, ये रेजोनेंस आपको आकर्षित करता है उसकी ओर, अपनी ओर खींच के ले जाता है, दैट इज इसीलिए आप रेजोनेट करते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट पूर्णिमा जी। पूर्णिमा जी, हेलो। हाँ जी आवाज आ रही है, प्लीज बोलिए। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर आपको देख के बहुत अच्छा फील होता है, एंड वी आर टोटली आई थिंक 3 महीने से मैं सर आपको फॉलो कर रही हूँ, एंड द कॉन्सेप्ट यू आर टीचिंग अस इज रियली यू नो वेरी गुड एक्चुअली। तो सर मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपने क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ आपसे। सर जब हम असेंशन की तरफ जाते हैं तो हमारे अंदर क्या क्या साइन और सिम्टम्स आते हैं? मतलब जो मैं फील कर रही हूँ, मेरी मेमोरी जो है ना, वो जो पास्ट की मेमोरी थी बचपन से लेके और अभी तक की, वो वॉश होने लगी है। मतलब मुझे अभी पास्ट से इतना कुछ याद ही नहीं रहता है, और मतलब वो चीज एक साइन और सिम्टम में आती है वो चीज। जी, और नॉट ओनली फ्रॉम दिस लाइफ, सारे इम्प्रेशंस, पिछले सारे जितने भी हमने अर्थ पे जीवन जिए, उनके जो इम्प्रेशन जिन पे काम नहीं हो पाया, वो हमारे चक्रों में टेंडेंसीज के रूप में सेव हैं। इस जीवन में कुछ प्रकट हुई, लेकिन बाकी जो प्रकट नहीं हो पाई वो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में आपकी कॉन्शियसनेस के अंदर अभी भी हैं, वो सारी भी हट जाएंगी, दैट इज़ द साइन। और आप पीसफुल जॉय और इसको एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे, दैट इज अनदर साइन। आप रेजोनेट करते हैं, दिस इज वन साइन। सिंक्रोनिसिटी फील करते हैं और आपके जो थॉट्स हैं मैनिफेस्ट होने लगते हैं इजिली, दैट इज अनदर साइन। सो देर आर मैनी साइंस। तो सर जैसे आपने बताया सिंक्रोनाइजेशन, तो इसमें कुछ नंबर्स भी दिखते हैं सर, रिपीटेड नंबर्स? नंबर, रिपीटेड नंबर दिखते हैं, लेकिन उनका इससे ज़्यादा कोई महत्व नहीं है कि वो नंबर दिख रहे हैं। अगर आप इस नंबर की सिग्निफिकेंस ढूंढना शुरू कर दोगे, देन अगेन यू आर वेस्टिंग योर टाइम, कि चार बार वन दिखा तो क्या सिग्निफिकेंस है, चार टाइम फोर दिखा तो क्या सिग्निफिकेंस है, दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट नंबर दिखते हैं, आप कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है या आप कन्फ्लिक्ट में हो, और इमिडिएटली वो नंबर आ गया जिस समय आपने कोई एक आंसर सोचा या कि ये इसका सोल्यूशन है, और वो नंबर दिख गया, देन इट इज़ ए साइन ऑफ कन्फर्मेशन। इट डजेंट मैटर कि वो 4 बार 8 दिखाई दिया या 4 बार 2 दिखाई दिया। हाँ जी सर, ये मैंने भी फील किया है कि नंबर्स और ये सब इतना कुछ इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, जस्ट लाइक ये एक साइन है। एंड सर जो हम ड्रीम्स देखते हैं, जैसे अब आज ही सुबह मुझे ड्रीम दिखा था मैंने स्पेस में, जैसे मैं ट्रेवल कर रही हूँ, और ये सब भी एक जस्ट एक साइन ही होता है ना सर, लाइक सी, या ड्रीम दो तीन तरह के ड्रीम होते हैं। एक हमारे सब कॉन्शियस माइंड के ड्रीम होते हैं, हमारा माइंड का वो हिस्सा जो कॉन्शियसली नहीं है, उसमें दबी हुई मान लो डिज़ायर हैं, वो डिज़ायर भी प्रकट होती हैं ड्रीम में। साइकोलॉजिकल लोग इसको यूज़ करते हैं, जो लोग साइकोलॉजी साइकेट्रिस्ट होते हैं उनके पास जाते हो, कुछ ड्रीम एक्सपर्ट होते हैं, वो उनसे इस आपके ड्रीम के बारे में डिस्कस करके आपको थोड़ा सा सोल्यूशन बता सकते हैं। इसके अलावा विजनरी ड्रीम होते हैं, उसमें कोई चीज़ आपको विजन में क्लियरली दिखती है कि ये ऐसा होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब ये लाइटनेस आ रही है, धरती की डेंसिटी फाइन होती जा रही है, बहुत सारे लोगों को ड्रीम आ रहा है कि वो उड़ रहे हैं, वो जंप करते हैं और एकदम लाइटनेस हो जाती है, काफ़ी समय तक वो हवा में रहते हैं, तो ये एक तरह का ये साइन है। स्पेस में होने के साइन दिखाई देते हैं, क्योंकि अर्थ में अभी हम ट्रैप हैं, हम
इस ब्रह्मांड में अभी तक एक्सपीरियंस करने की या ट्रेवल करने की फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं है। हम सुनते हैं कि नासा वाले जाते हैं एंड स्पेस क्राफ्ट होती हैं, लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता होती हैं कि नहीं होती, या अगर होती भी हैं तो हमारी एक्सेस नहीं है, राइट? तो जो भविष्य है उसकी थोड़े बहुत साइन दिख रहे हैं कि आप स्पेस में ट्रेवल कर सकते हो। ओके एंड सर एक चीज और है, जैसे आप बोलते हैं हम टेंपल्स वगैरह जाते हैं, तो मैं पहले काफी जाती थी एंड अब तो मैंने जैसे जैसे मैं फॉलो कर रही हूँ मेरे को चीजें क्लियर आउट होती जा रही हैं, लेकिन हम ड्रीम्स में भी वही चीजें देखते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि हनुमान जी हैं या फिर जो भी रिलीजन के जो भी चीजें हैं, हम फोटोज देखते हैं, मूर्तियां देखते हैं, हालांकि वो हमारी ही इमेजिनेशन किसी ने की होगी, वो उन्होंने बना दिया वैसे, बट वो हमें वैसे का वैसे ड्रीम्स में दिखते हैं। तो वो जो चीज है वो सर हम मतलब क्या उस चीज को हम मान सकते हैं, जैसे हम सपने में गॉड्स देखते हैं लाइक शिव जी वी कैन से और शिवलिंग वी कैन से और राम दरबार वी कैन से, कभी सपने में जो नाइन दुर्गाज होती हैं उनमें से कोई माता आ जाते हैं सपने में, तो सर वो क्या चीज है मतलब? सी, मैंने पहले कहा कि सपने जो है हमारे सब कॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा भी सपनों में प्रकट होता है। अब इस बार आप भारत में या एक हिंदू धर्म में पैदा हुई तो आपको जितने भी आपको चीज़ें दिखाई दी राम दरबार से लेकर हनुमान जी, वो आपको दिखाई दी क्योंकि आपकी सबकॉन्शियस में है। अगर आप अफ्रीका में पैदा होती तो आपको ये नहीं दिखाई देती, या अफ्रीका में पैदा होने के बावजूद भी दिखाई देती तो जैसे मैंने कहा कि प्रीवियस लाइफ की मेमोरी का कोई हिस्सा भी जो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में है वो आपको सपने में आ सकता है। तो ये इस जगत में बहुत सारा जो है उस जगत में सबकॉन्शियस माइंड के ड्रीम आ रहे हैं आपको, दैट इज नॉर्मल। इसका इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको सपने में कोई देवी दिखाई दी या हनुमान जी दिखाई दिए या सपने में स्पेस क्राफ्ट दिखाई दी, क्या फर्क पड़ता है, दोनों आप ही ने तो क्रिएट किए हैं। yes, सपना किसका है, आपका? yes, sir, हाँ जी, जो हम एंड सर एक चीज और है मेरा डाउट है कि जैसे हम इस अर्थ के ऊपर बोलते कि हम लेसन सीखने आए हैं, तो सर लेसन भी तो हम ही तो गलतियां कर रहे हैं और हम ही लेसन सीख रहे हैं, तो ये भी तो सर एक कॉन्ट्राडिक्शन सा फील होता है इस चीज में भी। ये अपने कॉन्ट्राडिक्शन है, मैं समझता हूँ मैनिपुलेशन का हिस्सा है, जिसमें हमें ये कह दिया गया कि धरती पे आप लेसन सीखने के लिए आए हो और जब तक लेसन आपके खत्म नहीं होंगे आप रिपीट होते रहोगे, है ना? फिर हमें लगता है कि हम तो अभी बहुत सारे लेसन बाकी हैं, इतनी बड़ी धरती है अभी तो हमने बहुत कम सीखा है, तो ये आपको इनफाइनाइट लूप में ट्रैप रखता है, मैं इसको ज्यादा महत्व नहीं देखता। और अब इस समय सारे लेसन को एक साथ बन करके नेक्स्ट लेवल पे जाने का समय है। मोर ओवर इस धरती में क्या गलत है और क्या सही है, अगर आप सोचो सपना तो है, इस सपने में क्या चीज गलत हो सकती है, कुछ भी नहीं। यस तो इसे कॉन्सेप्ट जस्ट टू हमें इसको डिले करने के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हो कि हमारे इवॉल्व होने के प्रोसेस में जो भी ट्रिगर्स थे उन ट्रिगर्स के थ्रू हमें एक डिजायर पैदा हुई इस मैट्रिक से जागने की, तो इन दैट केस यू आल्सो से यू कैन से कि ये हमारा जो सपना था बहुत यूजफुल था हमें जागने के लिए, धरती के सारे एक्सपीरियंसेस। जी जी, सिर्फ कहने की बात है, शब्दों का खेल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। सर एक और चीज मैंने आपसे पूछी है, बड़ा अच्छा लगता है हर बात कहते हो सिर्फ एक और। जी सर क्वेश्चन सर हमारे जो थॉट्स होते हैं वो पहले क्रिएट होते हैं या फिर हमारी जो चीज होने वाली होती है जैसे, तो वो थॉट्स पहले आते हैं या फिर हमारी चीज क्रिएट होने वाली है इसलिए वो थॉट्स पहले मतलब आता मुझे है लगता है कि आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, मैंने टॉपिक में शुरुआत में भी बोला था कॉज एंड इफेक्ट, पहले कॉज होता है या उसका इफेक्ट होता है, वो इफेक्ट होना है इसलिए वो कॉज होता है, तो ये दोनों इसी से जुड़ी हुई बातें हैं कि पहले मुर्गी या पहले अंडा। हमारा जो ये थॉट इस समय आ रहा है कि हम नेक्स्ट डायमेंशन में जाके मुक्त हो रहे हैं, ये क्रिएट कर रहा है या वहां पे ऑलरेडी क्रिएटेड है और हम उसकी ओर जा रहे हैं, जिन्होंने टाइमलाइन मेथड किया कि ऐसा होगा उनके अंदर ये विचार इसलिए आया कि ऐसा होना था इसलिए उन्होंने किया, या उन्होंने किया इसलिए इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, वो जुड़े हुए हैं। अगर हम इस टाइम के बियॉन्ड जा सकें, अगर हम ऊपर से देख सकें, जब हम बिल्कुल नीचे होते हैं तो हमें धीरे धीरे दिखती हैं कि यहाँ पे ये कॉज है यहाँ पे इफेक्ट इतना दूर है, अगर हम ऊपर से देखें तो हमें कॉज और इफेक्ट दोनों एक साथ दिख जाते हैं एट द सेम टाइम, सो दे आल एक साथ जुड़े हुए हैं, एक साथ हैं।
इनिशिएटिव्स इज लाइक ए सर्कल, तो हमें उससे बाहर निकल के देखना चाहिए। यस, अगर हम उसको ऊपर से देखते हैं तो हमें क्लियरली दिखाई देता है कि कॉज और इफेक्ट एक साथ ही है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू जी। मैंने ये कॉल यवतमाल से ज्वाइन किया है, मेरा नाम लता निमट है और यहाँ मुझे एक डेढ़ महीने से मैंने ये अपना ये ग्रुप ज्वाइन किया है। इसमें मेरे मेरी कजिन सिस्टर है सीतन कोकाटे, इनकी वजह से इन्होंने मुझे लाया है यहाँ पे। और मैं अभी आपने बताया हुआ वो डबल डिस्क मेडिटेशन करती हूँ और मेरे दो क्वेश्चन हैं। मैंने आपके वीडियोस में आपके देखती हूँ, सुनती हूँ और समझने का प्रयास करती हूँ, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि हम मेडिटेशन करते हैं तो हम क्या भक्ति योग जो है, भक्ति मार्ग अपना, उससे कम हो जाते हैं क्या? नहीं, कम होने की जरूरत नहीं। मैं तो मानता हूँ कि भक्ति बढ़ जाती है, असली भक्ति प्रकट होती है इसके पहले कि दिखावटी भक्ति या रिचुअल्स वो सब रहती हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि भक्त सिर्फ वही बन सकता है जो एक सर्टेन लेवल अचीव कर पाए, बाकी तो दिखावा है। और मेरा और एक क्वेश्चन है, वो है कि मैं जब मैं 12वीं फर्स्ट ईयर में थी तब मैंने गुरु मंत्र लिया था, वो हमारी गुरु माई थी, यहाँ पे एक राम मंदिर है उनका, तो वहां से मैंने गुरु मंत्र दिया था वो माई गुरु माई ने, अब वो नहीं है तो क्या मैं क्रिया योग की दीक्षा ले सकती हूँ? क्रिया योग की दीक्षा में किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। हमारे परिवार में भी पीढ़ियों से दादा दादी, पिताजी माताजी और मैं, वो एक दूसरे गुरु को मानते थे, तो उनके माइंड में संघर्ष था। जबकि क्रिया योग के मैंने कई सेमिनार अटेंड किए हैं, दीक्षा से पहले नॉर्मली एक दिन सेमिनार होता है, उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। अधिकांश लोगों के परिवार की परंपरा में कोई गुरु है या उन्होंने खुद कोई गुरु चुना था और अब वो उनके दिमाग में कन्फ्लिक्ट होता है, गुरु को बदलेंगे तो नहीं बदलना चाहिए, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो क्रिया योग में वो कहते हैं कि मैं आपको सिर्फ एक क्रिया, जैसे म्यूजिक सीखते हैं, मैं सिर्फ क्रिया सिखाने वाला गुरु हूँ, आप अपने पुराने गुरु के प्रति श्रद्धा से उनको गुरु मान सकते हैं, सो कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नमस्कार प्रवीण जी। नमस्ते जी। प्रवीण जी, आपने आज डिस्कस करा था इसके बारे में, कॉज एंड इफेक्ट के बारे में, और मेरा क्वेश्चन यही था दिमाग में कि विंग मेकर्स जो हैं वो मैंने कहीं सुना था फ्यूचर से आए हुए हैं ताकि हमें असेंशन में हेल्प कर सकें, तो वो मतलब मेरे दिमाग में घूम रहा था कि अगर फ्यूचर से वो आए हैं, दैट मीन्स अगर जो हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन 5D में असेंड करेगा, तो दैट मीन्स इट इज स्टिल अनसर्टेन, वो हमारे एफर्ट्स पे डिपेंड करता है। फिर अगर ये कॉज एंड इफेक्ट का देखा जाए, जैसे आपने एग्जांपल दिया था कि एनी हाउ मैंने तो यहाँ पहुंचना ही था, तो अगर वो फिलोसफी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए फिर वो माइंड में आता है, फिर इसका मतलब एफर्ट तो करने की जरूरत नहीं है, मैंने तो एनी हाउ पहुंचना ही है, तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया माइंड में। सेकंड क्वेश्चन को पहले देखते हैं, एक तामसिक प्रकृति का इंसान जो है उसको ये क्वेश्चन, ये आंसर उसको बहुत सूट करता है कि ये तो होना ही है, फिर मुझे करने की जरूरत क्या है। इन दैट केस इट विल नॉट हैपन फॉर हिम, क्योंकि उसके अफेक्ट में होना ही नहीं है। गॉट इट? क्योंकि उसकी प्रकृति ही तामसिक है। ये सात्विक प्रकृति का क्वेश्चन है, सात्व प्रकृति वाला। देखो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं साउंड इज अनक्लियर प्रवीण जी, साउंड तो पहले जैसी थी, अब आ रही है? मेरे को क्लियर आ रही है। हाँ जी, क्लियर है। हाँ, ओके। सो तामसिक प्रकृति वाले के लिए ये लाइन बहुत सूटेबल है कि ये तो अफेक्ट होना ही है, तो मुझे एफर्ट करने की जरूरत क्या है। इन दैट केस उसकी कॉन्शियसनेस रेडी ही नहीं है उस अफेक्ट को एक्सपीरियंस करने के लिए, दैट्स वाई इट्स नॉट गोइंग टू हैपन फॉर हिम। और जो विंग मेकर हैं, ये सेंट्रल रेस के बहुत इवॉल्व बींग हैं, ये धरती पे ही आए हैं और दैट इज़ वाई दे हैव सीन इट। एक्चुअली जो टाइम लाइन है, इस टाइम लाइन पर ह्यूमैनिटी फ्यूचर में दोनों तरफ जा चुकी है। फ्यूचर में ट्रांस ह्यूमनिज्म इस हद तक डेवलप हो चुका था कि ह्यूमन इन ह्यूमन हो गया था, उस पर रोबोटिक एनर्जीज ने इतना हद तक कब्जा कर लिया था, लेकिन वो एक स्टेज के बाद डेवलप नहीं कर पा रही। एंड सेम वे एक ह्यूमन की एक ब्रांच जो थी, जो बहुत इवॉल्व होकर सेंट्रल रेस बनी, अगर ये समय एग्जिस्ट ना करे,
से 3 घंटे की मूवी आप देखते हो, अगर वो 3 घंटे की मूवी 1 सेकंड में प्ले कर दी जाए, 1 सेकंड के फ्रैक्शन में भी, तो सारी चीज़ें एक साथ घटित होती हैं। लेकिन जब स्लो स्लो चलती है तो इतनी लंबी 3 घंटे की मूवी होती है। ऐसे ही अगर बहुत एडवांस समय से देखें तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ आने वाले कुछ समय के बाद धरती की संभावनाओं में है। एक ब्रांच जो ट्रांस ह्यूमन में जा सकती है, और एक ब्रांच जो सेंट्रल रेस जहाँ पे इवॉल्व बींग है, नेक्स्ट लेवल की कॉन्शियसनेस है। जब उन्होंने देखा कि इसको रेक्टिफाई करना है तो एग्जैक्ट टाइम के अंदर टाइम के बबल में एंटर करके उसको ठीक करना भी बहुत कठिन काम है। रीज़न बींग कि ये जगत डायनामिक है, ये पूरी तरह स्टैटिक नहीं है कि हम अगर आपसे कोई कहा जाए कि 2000 साल पहले जाके जीसस क्राइस्ट को बचा लो, है ना, या 5000 साल पहले जो युद्ध हो रहा है वहाँ पे जाके अभिमन्यु को बचा लो, ये पूरी तरह पॉसिबल नहीं है अगर आप टाइम ट्रेवल कर सको तो भी, क्योंकि घटनाएं उस समय की कॉन्शियसनेस की डायनामिक जो सिचुएशन है उसको क्रिएट करेंगी। सो द पॉइंट इज विंग मेकर इसको ठीक करना चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद भी ये डायनामिक इवेंट है और ये डायनामिक इवेंट इस समय अनफोल्ड हो रहा है। सो आई डोंट नो कि मैंने आपका क्वेश्चन पूरी तरह, अगर नहीं समझ क्लियर हुआ तो मुझे क्वेश्चन दोबारा रिपीट कीजिए। कौन सा नहीं सर, मैं एक तो अगर ये वीडियो के फॉर्म में आता है मैं इसको दोबारा सुनूंगा तो ताकि मेरे अंदर भी थोड़ा सिंक इन हो। बट मेरा क्वेश्चन यही था कि कॉज एंड इफेक्ट पे, कि अगर वही पहले से ही सब कुछ तय है तो हमें एफर्ट करने की क्या जरूरत है। फिर भी ये तो हो गया तामसिक प्रकृति के लिए, और हम लोगों के लिए फ्रंट रनर के लिए अफेक्ट वहां पे तैयार है, और ये कॉज हम इस समय क्रिएट कर रहे हैं जो हमें जगाने में हेल्प कर रहा है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में चेंज करने के लिए। पूरी ह्यूमैनिटी जब इस लेवल पे आएगी तब हम इस ड्रीम से जाग के ग्रैंड पोर्टल जो विंग मेकर कहते हैं वो क्रिएट होगा। ठीक है। एंड सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग अटैचमेंट्स। तो जैसे मैं अब वीडियोस देखता हूँ, ग्रेट अवेकनिंग ग्रुप से इन्वॉल्व हूँ, मेरी फैमिली नहीं है, तो अब ये एक अटैचमेंट कह लो या फिर एक वो भाव कह लो कि फैमिली ने मेरे लिए बहुत कुछ करा है तो मैं चाहता हूँ कि वो भी असेंड करें। तो अब इसको मैं दो तरीके से देखता हूँ, या तो इसको अटैचमेंट की तरह देखो कि अपना वो मैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसके बेसिस पर ये थिंकिंग रखता हूँ कि आई एम ऑल्सो असेंडिंग एंड माय फैमिली इज ऑल्सो असेंडेड। बट एक ये भी हो सकता है कि इसे मैं बर्डन बना रहा हूँ, एक जैसे कहते हैं ना लगेज बढ़ाना एक ट्रैवलिंग में, वो भी सिनेरियो है। और दूसरा इस तरीके से भी देखता हूँ कि अगर हम पूरी ह्यूमैनिटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी असेंड कर रहे हैं, तो उसका एक छोटा पोर्शन मेरी फैमिली भी है, तो इस तरह से मैं गलत नहीं हूँ। तो वो एक चीज आपसे पूछनी थी कि एम आई राइट इफ आई एम यू नो कलेक्टिवली थिंकिंग कि मैं असेंड करूँ और मेरी फैमिली भी असेंड कर रही है एंड आई एम नॉट असेंडिंग अलोन, इज दैट लाइक अ गुड थिंकिंग लाइक टू कैरी फॉरवर्ड। सी आप देखो कि जो मैट्रिक्स के ऑब्लिगेशंस हैं उसके पार निकलना बड़ा कठिन होता है। मैं हमेशा सोचता था कि भगवान सामने खड़े हों तो भी कोई मना कैसे कर सकता है कि मैं आपकी तरफ से नहीं आऊँगा, इम्पॉसिबल। मैं सोचता रहा कि भगवान की फ्रीक्वेंसी तो ऐसी होगी कि कोई भी उस फ्रीक्वेंसी के अंदर जाएगा अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, लेकिन कर्ण ने मना कर दिया क्योंकि मैट्रिक्स का दबाव बहुत ज़्यादा था। इसी तरह परिवार मैट्रिक्स का हिस्सा है। जब अपनी कॉन्शियसनेस एक्सपेंशन का मतलब क्या है, आप अपनी कॉन्शियसनेस को लिमिटेड मी एंड माइन से बियॉन्ड जा पाते हो तब कॉन्शियसनेस एक्सपेंड होती है, और यही एक्सपेंशन जब और बढ़ता है, एक्सपेंशन होता जाता है तब वन डे यू रियलाइज कि सब कुछ आप ही हो। इस केस में परिवार भी आपका उसके अंदर है, लेकिन फर्स्ट लेवल पे हमें इस अटैचमेंट को क्रॉस करना पड़ता है, दैट इज टैरेट 18th कार्ड, ये सबको करना पड़ेगा। सर एंड जो आपने एक चीज बोली थी ग्रुप में शायद या किसी वीडियो में कि 2024 तक एक्सपेक्टेड है कि सारी बीमारियां इस प्लैनेट में जा रही हैं, तो इज इट कि वो जानने का मतलब ये है कि वो फ्यूचर में कोई बीमारी नहीं होगी या जो ऑलरेडी एलिमेंट्स हैं लोगों में वो भी क्योर हो जाएंगे? फ्यूचर में हम उस फ्रिक्वेंसी की ओर जा रहे हैं कॉज एंड इफेक्ट में जहाँ पे ये एग्जिस्ट नहीं करती, लोअर एस्ट्रल बींग एग्जिस्ट नहीं करते, इनसिक्योरिटी एग्जिस्ट नहीं करती और बीमारी की इनसिक्योरिटी वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। सो वी आर गोइंग टू दैट लेवल, और जो बीमारियाँ जिनको हम क्रॉनिक डिसीज कहते हैं जो अभी एग्जिस्ट करती हैं उनके लिए आफ्टर इवेंट इमिडिएटली वो हील हो जाएंगी। और आप लोगों ने शायद सुना हो इस तरह का कोई एल्गे समुद्र में मिली है जो नाइट्रोजन से रिएक्ट करके समुद्र के पॉल्यूशन को ख़त्म कर रही है। सो अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं
विद इन 15 डेज जो है पूरे जो नदियां हैं वो हील हो जाएंगी। इसी तरह बीमारियां भी हील हो जाएंगी, लेकिन जो क्रॉनिक डिसीज हैं वो आफ्टर दैट इवेंट हो सकता है कि समय लगे। हम एक फ्रीक्वेंसी को 2020 बाय 2024 अचीव कर सकते हैं जो फ्रंट रनर हैं, जो वो बीमारी जिसमें एग्जिस्ट नहीं करती। सो दैट मींस वो बीमारियां जिन लोगों में है उनसे भी चली जाएंगी। यस सर। एंड मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो हम प्लांट्स एंड मटेरियल्स की बात करते हैं 1D है और 2D है, तो एक मैंने बुक पढ़ी थी, इट वॉज बाय टोबायस, वो किसी ने चैनलिंग करके करी थी, तो उसमें उन्होंने एक चैनल डेंटिटी है, वो उन्होंने बोला था कि बहुत पहले हमने जी चूज करा था टू यू नो एक्सपीरियंस द लोएस्ट डायमेंशन सो दैट वी रियलाइज हु वी आर, तो एक हमारा चॉइस था। तो अब वो थिंकिंग आती है कि हमारा चॉइस 3D में जाना था, बट जिन प्लांट्स और एनिमल्स में जो कॉन्शियसनेस गई है, मे बी इट बी अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जैसे प्लांट्स और एनिमल्स की होती है, तो उन्होंने ये चॉइस क्यों ली कि हम प्लांट्स या एनिमल्स में जाएं, क्योंकि उसमें उनके पास तो असेंड करने का कोई मतलब फ्रीडम नहीं है, खुद का फ्रीडम नहीं है, तो वो उनकी खुद की चॉइस थी या इट वॉज फोर्स्ड अपॉन देम, ये थोड़ा मतलब कंफ्यूजन। सी ये थोड़ा सा एक कंट्राडिक्टरी क्वेश्चन हो जाता है कि आप समझते हो कि थर्ड डायमेंशन में ह्यूमन बींग के अंदर इवॉल्व होने की चॉइस थी, लेकिन क्या चॉइस थी, कितनी सदियां बीत गई, क्या ह्यूमैनिटी इवॉल्व हो पाई, कितने लोग मुक्त हो पाए, इवन द असेंडेंट मास्टर्स दे आर स्टिल इन दैट ट्रैप। सो ह्यूमन के पास भी उतनी ही लिमिटेड चॉइस थी। और इसुमी जी मुझसे ऐसा कहती हैं, मुझे भी पूरी तरह समझ में नहीं आया, शायद आप समझ पाओ, मैं उनके शब्द रिपीट करता हूँ, कि तुम सोचते हो कि तुम या ह्यूमैनिटी सोचती है कि प्लांट जो हैं लोअर हैं, क्योंकि वो 2D हम कहते हैं और हम अपने आप को 3 कहते हैं, हम लीनियरिटी में मानते हैं कि वो हमसे लोअर हैं, वेयर एज इट इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द सेम कॉन्शियसनेस, दे आर एट द सेम लेवल, इवन सम आर ऑन द हायर कॉन्शियसली इवॉल्व, वो अपना सब कुछ दे रहे हैं। हेलो सर, नमस्ते, उम्मीद करता हूँ आप हमेशा की तरह अच्छे होंगे। सर एक क्वेश्चन है और एक एक्सपीरियंस। एक क्वेश्चन ये है कि लाइक जब हम 2 मेडिटेशन करते हैं पॉइंट ए और पॉइंट पी, जब हम पॉइंट पी को पॉइंट ए की तरफ लाते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस होता है, देन वी लीव इट। मेरे साथ ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि मैं पॉइंट ए फिक्स है, अगर मैं पॉइंट पी को ला रहा हूँ तो वो दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ, ऑल्सो पॉसिबल और सम बहुत अट्रैक्ट होने के बाद एक प्लेस पे आके वो उनमें रेजिस्टेंस शायद बिल्ड होना शुरू हो जाता होगा, और अगर बहुत अट्रैक्ट होकर बिल्कुल पास आ गए तो फिर डिस्टेंस लेके उसको दूर से एक बार हाथ लाइए, हो सकता है कि उस फील्ड के अंदर आओ तो कई बार ऐसा लग जाता, फिर दूर से एक बार दोबारा कोशिश कीजिएगा। तो रेजिस्टेंस शुड बी देयर टू वर्क दिस थिंग आउट, नॉट इट इज नॉट रेजिस्टेंस दैट वर्क्स, बेसिकली यू इंटेंगल टू पॉइंट्स दैट वर्क्स, इवन आई डोंट डू दिस लाइक दिस, ये बिगिनर के लिए हेल्प करता है, मुझे ये करने की भी जरूरत नहीं है। नहीं सर, वो तो जब मैनिफेस्टेशन होता है तो वो होता है, जब मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश करते हैं तब कुछ नहीं होता है। दैट इज द पैराडॉक्स, जितनी हम प्रायोरिटीज ज्यादा रखते हैं और जितना हम अपनी उसको इंपॉर्टेंस नहीं रिड्यूस कर पाते उस केस में डिफिकल्ट रहता है, दैट इज राइट। तो इस केस में फिर लगता है कि हमारी टेक्निक में कोई कमी तो नहीं रह गई, तो टेक्निक मैं रिवाइज कर देता हूँ, सिंपल, यहाँ पे एक पॉइंट है क्वांटम इंटेंगल के लिए, सेकंड पॉइंट है, जब हम दोनों को लाते हैं और सामने से नहीं लाते क्योंकि इन दोनों के बीच में भी एक फील्ड है, ऊपर नीचे करके लाते हैं इसीलिए दूसरा हाथ नहीं दिखाई दे रहा, तो एक जगह रेजिस्टेंस भी, दोनों पॉइंट जैसे ही मिलते हैं तो वहाँ पे एक महसूस होती है एनर्जी, उसके बाद छोड़ देना। नहीं सर, मैं एग्री कर रहा हूँ, मैं मेथड क्लियर करके आपने एक्सप्लेन किया, वेरी मच थैंक यू, बट मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे आपने कहा ना पॉइंट ए और पॉइंट बी सामने आ जाते हैं हम कनेक्ट करते हैं, so I was thinking जब ए और बी खुद मिल रहे हैं तो मैं उनको रोकूं क्यों? Yes, probably you are right. Try it with this. मैंने देखा था जर्मनी में इसी मेथड को दूसरे तरीके से सेमिनार में करते हैं, तो वो पर्सन को सामने ला के उनकी प्रॉब्लम को इंस्ट्रक्टर कर रहा था, ऐसे हैंड करके नहीं, तो उनके पीछे एक पर्सन उनको सपोर्ट करने के लिए खड़ा होता था हमेशा, जैसे ही वो घटना घटती थी वो पर्सन या तो आगे की ओर गिरता था या पीछे की ओर गिरता था, तो अगर आगे गिरता था तो आगे जो इंस्ट्रक्टर थी उनको संभाल लेती थी, पीछे के लिए एक पर्सन हमेशा खड़ा होता था दोनों हाथ करके कि उनको संभाल ले, ऐसा मैंने बहुत सारे पार्टिसिपेंट को देखा और हर पार्टिसिपेंट फ्री था, अगर मैं जाता, अगर मेरी कोई प्रॉब्लम होती तो मेरे साथ भी मैं एक्सपीरियंस कर सकता था, तो आई थिंक कि रेजिस्टेंस या अट्रैक्शन दोनों पॉसिबल हैं, अगर कोई पर्सन आगे और पीछे दोनों गिरता है तो इस केस में मेरे हो सकता है कि रेजिस्टेंस के बदले अट्रैक्शन भी काम करता हो, आप इसको करके देखें।
मैंने कभी ये मैंने कई लोगों से सुना है कि उनके हाथ एकदम से यू पास खींचते हुए चले जाते हैं. लाइक वो इतना पुल होता है, लाइक जैसे रेजिस्टेंस में वी फील इट कि भाई पुश हो रहा है, बट वो पुल इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आप टोक भी नहीं पाते और वो ऑटोमेटिकली दोनों पॉइंट ए और पॉइंट बी आपके लाइक मैग्नेट की तरह वो चिपक जाते हैं. यस, हो सकता है कि ये इस केस में भी काम करता हो. मैंने कुछ लोगों के और भी एक्सपीरियंस सुने हैं. मेरे अपने एक्सपीरियंस में रेजिस्टेंस था, इसलिए मैंने उसी को हमेशा बताया. तो मैं इस पर और ध्यान दूंगा. अगर मुझे इस पर कोई और फीडबैक मिली तो मैं वो उसको शेयर करूंगा. डेफिनेटली सर. एंड सर अभी जैसे थोड़ी देर पहले किन्हीं में हमने डिस्कस किया था कि लास्ट टाइम किसी ने बोल रहा था कि वो मेडिटेट कर रहे थे, लोगों में नहीं रह पा रहे थे या ऐसा कुछ हो रहा है, बल्कि मेरे साथ थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है. पहले मैं बहुत आइसोलेशन में रहता था, जब मैं स्टार्टिंग में मेडिटेशन में रहता था तो मेरे को लगता था कि नहीं लोगों से दूर रहना चाहिए एंड यू वर्क ऑन योर सेल्फ बहुत ज़्यादा, तो उसमें एक कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा नेगेटिविटी डेवलप कर रहा दिया था. अभी क्या हो रहा है, जैसे रिट्रीट के बाद और मेडिटेशन कर रहा हूँ, अभी मैं लोगों से बहुत ज़्यादा मिला हूँ, बल्कि खुद जाके मैं इंटरेक्ट करता हूँ, और जब मैं उनसे इंटरेक्ट करता हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि लाइक मेरे अंदर से कुछ निकल के उनके पास जा रहा है, रेज जा रही. तो मैं बस यही कहना चाहूँगा या पूछना चाहूँगा कि ऐसा नहीं आइसोलेशन में रहना जरूरी है, या कई बार जैसे कुछ लोग हैं जो मतलब जिनका कोई मतलब भी नहीं है 3D 5D, उनको तो कुछ भी नहीं पता, ठीक है उनको तो स्पिरिचुअलिटी से भी नहीं मतलब, 3D 5D तो बहुत दूर की बात, बट जब आप उनसे बात करते हो तो उनके चेहरे पे एक ग्लो आता है, उनके आंखों में एक मैंने ना डिफरेंस देखा है जब मैं किसी से बात करता हूँ, जो पहले नहीं होता था. पहले मैं लोगों से बचता था तो बात करनी होती थी तो एक ऐसा अंदर से एंजाइटी डेवलप होती थी, लाइक गला भी ऐसा पकड़ा जाता था कि बोलना इतना मुश्किल होता है. आप ऐसा कि किसी से किसी भी टॉपिक पे मैं बात कर लेता हूँ, सामने से भी जाके बात कर लेता हूँ, और जब मैं उनसे बात करता हूँ तो पहले मैं किसी को स्माइल करते हुए देखता तो एक अलग तरीके की वाइब तो आती थी, अब मैं किसी से बात करता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे अंदर से कुछ ऐसा गया और उनकी वो आंखें मैंने लिटरली स्पार्कल होते हुए देखी. हालांकि ना कोई स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बात होती है, पर एक कॉमन से कॉमन बात होती है कि भाई आज आपने किया क्या, खाया क्या, लाइक इस तरीके की बात में भी. सो आई फील लाइक देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, इसके बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना है. नेचुरली एनर्जी एक्सचेंज हर समय होता है, इसीलिए अपनी एनर्जी को बचाने के लिए कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनको वहाँ जाना कम सूट करता है. मोर ओवर जैसे आपने आपका मुझे बड़ा अच्छी बातें लगी, जैसे आपने दो बातें कही कि पहले आप शाही थे या आप इसको प्रेफर नहीं करते थे, आप अवॉइड करते थे और आप बोल नहीं पाते थे, गला जकड़ जाता था. अब आप बोलते हो क्योंकि थ्रॉट चक्र पूरी ह्यूमैनिटी का ब्लॉक है, ये क्रिएटिविटी है, और ये इस हद तक ब्लॉक है कि लोग अभी तक इसी थे. अब जब एनर्जी डेंस से फाइनर होती जा रही हैं, बहुत सारे लोगों का कम्युनिकेशन बेटर होता जा रहा है. आने वाले समय में कम्युनिकेशन बहुत प्योर होगा. अभी जो कम्युनिकेशन है झूठ पे आधारित है, दिखावट पे आधारित है, तो ये प्योर होता जा रहा है, वन थिंग. सेकेंड, जो आप स्पार्क देखते हो, ये जगत आपका प्रगटीकरण है. जो कुछ सुंदरता आपको दिखती है ये आपके अंदर आ गई, इसलिए आप देख पाते हो, पहले नहीं थी. सो द लाइट जो आप देखते हो, जरूरी नहीं उस पर्सन की हो, या उसी पर्सन की है लेकिन आपको इसलिए दिख रही है क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी में आ गए. सो इट्स वेरी गुड साइन कि आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन फास्ट हो रहा है. दीज बोथ आर वेरी गुड साइन फॉर यू. नहीं सर, आई अप्रिशिएट इट, क्योंकि ग्रुप के भी काफ़ी मेंबर्स हैं, जैसे प्रियंका दी हैं, मंजिल दीदी हैं, उन्होंने भी, मैंने उनसे कुछ क्वेरीज थे, उन्होंने बहुत अच्छे से मेरी हेल्प की. इवन प्रियंका दीदी ने मेरे को कॉल करके मेरे को समझाया. सो बहुत सारी ग्रुप से हेल्प मिलती है और फर्स्ट टाइम मिले थे तो बस चीज़ें हो रही है. यही तो मज़ा है कि चीज़ें हो रही हैं और हम एक बहुत पावरफुल एनर्जी एक साथ है, ये सबको उठा के लाने में सक्षम है. बस सर अभी एक थोड़ा सा डाउट है, हाँ यही है, जैसे मैंने बात किया तो अभी जैसे मैं लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ या मिल रहा हूँ, तो अब मुझे उसे कंटिन्यू करते रहना चाहिए या मैं उस फिर आइसोलेशन में जाके मेडिटेशन पे ध्यान दूँ? बट मेरे को ये लगता है कि मैं इतना बाहर जा रहा हूँ, मैं उतना अच्छा कर पा रहा हूँ या उतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने अंदर भी फील कर पा रहा हूँ या बाहर भी कर पा रहा हूँ. सी, दोनों बिल्कुल ठीक हैं. एक एक जर्नलिस्ट था, उसने महर्षि रमन से पूछा कि दुनिया में इतनी परेशानी है और आप लोग यहाँ पे हिमालय में बैठ के, आप वो थिरुमलाई में बैठ के जो ध्यान करते हो, आप लोग आलसी हो या तामसिक हो, आप क्यों नहीं कुछ करते? उनका उत्तर था कि जो ऋषि या संत लोग करते हैं उसका असर आप नहीं जानते. सो वो साइलेंट रह के भी काम करा जा सकता है, लोगों के बीच में जाके भी काम किया जा सकता है. दोनों फॉर्म इक्वली गुड हैं. और
जो जर्नी है बहुत इंडिविजुअल है, सबकी जर्नी अलग अलग है। कुछ लोगों के लिए आइसोलेशन महात्मा बुद्ध के लिए काम किया और उसके बाद में वो पब्लिक में आए, आप दोनों कर सकते हो, इससे कोई भी बाधा नहीं है। 24 आवर्स मेडिटेशन थोड़ी करना है। सर, जब मेडिटेशन करना है उस वक्त सिर्फ मेडिटेशन करना है। कई बार आते हैं, थॉट्स आते हैं, बट देन इज लाइक यूजलेस होते हैं। कई बार ये लगता है कि भाई आप पैसा क्यों कमा रहे हो, फिर लगता है कि यार ठीक है जरूरत नहीं है, बट खाली बैठे आप करोगे भी क्या, थोड़ा काम कर लेते हैं। बस जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, जब ये सिस्टम बदल जाएगा, सिस्टम ब्रेक होने तक जो जैसा सिस्टम के सभी लोग हिस्सा हैं। बल्कि पहले से ज्यादा कुछ अच्छा करने का मन करता है। यस, वेरी गुड, आई एम हैप्पी टू हियर योर एक्सपीरियंस, थैंक यू वेरी मच। ओके, नमस्ते प्रवीण सर जी, कैसे हो आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सर, मैं 2-3 दिन पहले तक मैं पूरी हायर कॉन्शियसनेस में ही थी, ठीक है, पर अभी पता नहीं क्या हुआ है, यानी पता नहीं बोल नहीं सकती मैं अभी 1-2 दिन के बाद घर जाने वाली हूँ, तो पता नहीं वैसे एंग्जाइटी हो रही है सर की, यानी वो क्या बोलेंगे वो क्या बोलेंगे। अभी ये 2-3 दिन पहले तक सब पता था कि ये सब मैट्रिक्स है, ये अपने ही है सब, यानी अपना ही बनाया बनाया हुआ है सब कुछ, ये ही है, पर अभी पता नहीं मैं वो सब भूल चुकी हूँ। अभी बस ये अभी और फैमिली के ख्याल आ रहा है सर, अभी मैं क्या करूं इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और मेरा मेडिटेशन भी नहीं हो रहा है सर, नहीं तो मैं बहुत करती थी। ये प्रोसेस का हिस्सा है, जैसे फ्रीक्वेंसी अभी एक बार ऊपर आ गई तब आपको अच्छा लगा, उसने ऊपर की फ्रीक्वेंसी टच की और उस बैंड में घूम रही है। फ्रीक्वेंसी हमेशा एक बैंड में मूव करती है, ऐसा नहीं है किसी की एक फिक्स फ्रीक्वेंसी है 334, ऐसा नहीं होता, वो उसके प्लस माइनस बैंड में मूव करती है। तो जब आप उस फ्रीक्वेंसी के हायर बैंड में होते हो अच्छा लगता है, उस फ्रीक्वेंसी के अब लोअर बैंड में है तो लग रहा है कि अरे बहुत डिफरेंस हो गया, ये आने वाले समय में स्टेबल हो जाएगी, तब तक प्रोसेस का हिस्सा है। फिर डरने की क्या बात है, आप इसको क्रिएट करो। हाँ सर, वो पता नहीं इतनी एंग्जाइटी हो रही है, ऐसे लग रहा है कि अभी कैसे ही मैनेज करेंगे। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ, अभी घर पे जाना है तो बस ख्याल आ रहे हैं पता नहीं क्यों। घर में कौन है, सास ससुर? बस वही। अगर कृष्णा राव जी से मैं पूछता हूँ, कृष्णा राव जी शायद अभी ऑनलाइन थे, अगर वो परमिशन दें तो मैं उनका एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। सर कृष्णा राव जी आप हो, आपकी परमिशन है? या आप अपने कृष्णा राव जी के मुंह से सुनेंगे तो और भी अच्छा लगेगा, लेकिन उनका शायद वो जहाँ पे हैं वहाँ पे नेटवर्क वीक है, इसलिए मैं उनकी बताऊंगा, अदरवाइज वो बताएं। सर आपका नेटवर्क ठीक है तो आप बताइए, अदरवाइज मैं बताता हूँ। आप बताइए सर। ओके सर, कृष्णा राव जी ऋषिकेश में पहली बार रिट्रीट में आए थे, उसके पहले ये एक और जर्नी पे गए थे, टाकियान चैम्बर के लिए गए थे कुछ दिनों के लिए, और इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कॉस्मिक वैली में, सारे पिरामिड कंस्ट्रक्शन इनके गाइडेंस में होते हैं, फंड रेज भी इन्हीं को करना पड़ता है, सारी जिम्मेदारी संभालते हैं, और जो वहाँ पे अम्मा हैं वो कभी कभी गुस्सा हो जाती हैं कृष्णा राव जी की प्रेजेंस जब नहीं होती, तो उन्हें गुस्सा आता है कि काम क्यों रुक रहा है। तो कृष्णा राव जी पहले एक जगह चले गए, उसके बाद वो ऋषिकेश आ गए बिना बताए, उसके बाद वापस जाना था, तो ऋषिकेश में बहुत सारे पार्टिसिपेंट पहली बार आए थे और वो सेम सरकमस्टांसेस में थे कि एंग्जाइटी हो रही थी घर में जाने की, कुछ लेडीज़ बिना बताए आई, समय परिवार से पहली बार बाहर निकली, एंड सो ऑन। तो वहाँ पे हम सब लोगों ने मिलके मेडिटेशन किया कि जब घर में जाएं तो हमारा वार्म वेलकम हो, और कृष्णा राव जी ने भी मिलके किया। तो वो कृष्णा राव जी जब वापस गए, 5 डेज शायद कह के आए थे और 8 डेज हो गए, उसके बाद जो ट्रेन थी उस ट्रेन जो खम्मन स्टेशन पे रुकती थी रात को 1:30 बजे, उन्होंने 2 या 3 अलार्म लगाए, उसके बावजूद भी वो स्टेशन पास हो गया, रात में थके हुए थे, नेक्स्ट स्टेशन पे पहुंच गए, और मन में एंग्जाइटी आपसे भी ज़्यादा थी कि वहाँ पे जाएंगे तो अम्मा कैसे बिहेव करेंगी। एक कोई एक इंस्ट्रूमेंट उन्होंने ऑर्डर किया हुआ था, वो काफ़ी समय से डिले हो रहा था, उस समय उनको फ़ोन आया कि वो ट्रक में हैं और उनको रास्ता पूछने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको अपने ट्रक में ले जा ट्रक में हम दोनों मिलके चलते हैं, रास्ता पता लग जाएगा। कृष्णा राव जी उस ट्रक में बैठ के जब आज कॉस्मिक वैली पहुँचे तो अम्मा कोकोनट और आरती की थाली लेके उनका स्वागत हुआ। कृष्णा राव जी कह रहे थे कि पहली बार मेरा ऐसा स्वागत हुआ। इसके बाद वो घर गए तो उनकी वाइफ ने उनको खाना बहुत प्यार से पूछा, इट ऑल आर पॉसिबल। ये जगत होलोग्राफिक प्रोजेक्शन है,
इस जगत में सब कुछ पॉसिबल है। आपकी एनर्जी एंग्जाइटी क्रिएट कर रही है क्योंकि एक प्रीवियस एक्सपीरियंस था कि हर बार वहाँ पे जाते हैं अनकंफर्टेबल फील करते हैं, अनईजी फील करते हैं। सिर्फ एक थॉट लव का दे के देखें, आप जाएंगे तो आपका वैसे ही वेलकम होगा, आप सोच भी नहीं सकती। टू पॉइंट मेथड या टाइमलाइन मेथड बहुत पावरफुल है, सिर्फ आपकी कॉन्शियसनेस उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। एक बार करके देखें। हाँ सर बिल्कुल, यानी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। और सर टू पॉइंट में मैं बोल रही थी कि रेजिस्टेंस आपको फील नहीं हो रहा है, यानी फील तो होता है पर अगर उस पर आपने ध्यान ना देके ऐसे ही छोड़ दिया तो चलेगा क्या सर? क्योंकि फिर अपन वो रेजिस्टेंस के ऊपर ध्यान देते तो अपना वो इंटेंशन चला जाता है, ऐसे मुझे लगता है सर। तो इसीलिए मुझे ऐसा अगर वो आपके लिए मेथड नहीं है तो आप टाइमलाइन करो, एक कागज लो, पेंसिल लो, पेंसिल में दो दिन बाद के या दो दिन बाद का पॉइंट बनाओ, एक स्फीयर, उसमें देखो कि जब आप घर गए तो बहुत खुश हैं, सब लोग हारमोनी में हैं, आपके हस्बैंड खुश हैं, आप वापस जा रहे हो तो आपके माइंड में उस इस स्टे की यादें हैं कि अब की बार उन्होंने मुझे प्यास रखा। उसके बाद वो पुरानी टाइमलाइन को आज के पॉइंट से कनेक्ट करा, नई टाइमलाइन क्रिएट हुई, पुरानी टाइमलाइन को रबड़ से मिटा दिया, दैट्स ऑल। ये करके देखें। ओके सर। सर और आपसे बात करके मैं बता नहीं सकती सर, इतना अच्छा लगता है। अभी अभी आपके साथ फील से कनेक्ट हो जाता है एकदम, मैंने इतना, और मैं आपके वीडियोस भी देखती रहती हूँ। और जैसे आपने बोला था कि बस वीडियो देखकर भी, जैसे किसी सर ने क्वेश्चन पूछा था आपको कि हम जैसे आपके ऑनलाइन वीडियोस भी देखते हैं तो क्या हम आपकी एनर्जी ले सकते हैं या फिर आपके फील्ड में आ सकते हैं? ऐसे एनर्जी नहीं ले सकते, आपके फील्ड में आ सकते, तो ऐसे लगता है आपके फील्ड में आ गए और बस यही यही है, यानी ये तो सब मैट्रिक्स है और अपने को अपने घर पे जाना है जैसे। बहुत आराम से फील्ड में आ सकते हैं अगर लॉजिकल माइंड हट जाए तो, भागा ये है। बहुत सारे लोग, मैं एक्सपीरियंस सारे नहीं बताता हूँ, मैं ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस जानता हूँ पर्सनल लेवल पे जो मुझसे कभी नहीं मिले, सिर्फ इन्हीं वीडियो के थ्रू फील्ड में आके उनको उनके जीवन बदला है। इट इज पॉसिबल, इट इज इजली पॉसिबल। क्यों इजली पॉसिबल और क्यों पहले पॉसिबल नहीं था? पहले अर्थ की एनर्जी सॉलिड थी, एक ही एनर्जी से, बर्फ पानी ही तो है, जब सॉलिड है तो बर्फ है, थोड़ी एनर्जी फाइनर हुई तो पानी बन गई और फाइनर हुई तो भाप बन गई, सेम इसका ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके पहले अर्थ की जो एनर्जी थी सॉलिड थी, इतनी सॉलिड थी कि बीच में दीवारें बन जाती थी, एनर्जी एक दूसरे से नहीं ले पाते थे, गुरु के पास जाके उसके चरणों में बैठ के साधना करते थे तो ले पाते थे थोड़ी बहुत। अब ये बहुत फाइन है, डिस्टेंस सिर्फ माइंड में गई है। यस, ये शुरू हो चुकी है, ये सूक्ष्म हो गई है, तो वो आपकी तरफ से हमारी तरफ इजीली आ रही है सर। बिल्कुल इजीली आ सकती है, सिर्फ जिनके पास नहीं आ पाती उनके ये बाधा बना देता है। बहुत लाइट फील होता है सर आपके साथ बात करने के बाद, यानी मैं बता भी नहीं सकती शब्दों में, यानी अभी ऐसे लग रहा है बस हवा में उड़ रहे हैं टाइम से सच में। थैंक यू सो मच सर। प्रवीण सर, आपसे जुड़े 1 ईयर हो गया और मैं जयपुर आई थी रिट्रीट के लिए, मेरे हस्बैंड भी आए थे और सर क्रिया की दीक्षा ली है। हाँ, बेटा था मेरा उसको लाना पड़ा मुझे क्योंकि हस्बैंड नहीं आ पाते, फिर उनका रह जाता और हस्बैंड में काफी चेंज है, मेरा हस्बैंड बीमार है आपको पता है। और सर अब मैं ध्यान करती हूँ तो मेरे को अब जैसे हम परावस्था में जाते हैं तो मुझे फील होता है कि जो हम सुनते थे बचपन से कि हम निर्गुण निराकार और सच्चित आनंद है, तो मैं उसको फील कर पाती हूँ और अब एक पीस ऑफ माइंड रहता है। जैसे कोई कुछ, मैं जॉब करती हूँ वहां पे कोई कुछ बात करता तो वो बात मुझे अब हर्ट नहीं होती, जैसे मैं मतलब मुझे लगता है कि मैं अपनी शांति से बाहर नहीं आना चाहता हूँ, तो काफी ये अच्छा लग रहा है मुझे आजकल। जैसे मुझे लग रहा है शायद ये 5D की यही शायद फ्रीक्वेंसी होगी जी। जैसे हमने पहले भी शुरू में कहा था ना, शुरू से शायद आप होंगी कि जब हम उस फ्रीक्वेंसी में जाएंगे तो हम जागने के पास आते जा रहे हैं, जितना हम फ्रीक्वेंसी के पास आते जा रहे हैं उतना हम जागने के पास आते जा रहे हैं, जिस दिन ये ओवरलैप कर गई उस दिन हम जाग जाएंगे। अब क्वेश्चंस इतने नहीं है, क्वेश्चंस नहीं उठते, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे क्वेश्चंस क्योंकि आपको दिखना शुरू हो जाएगा। जी 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 जी, बस यही तो एक उद्देश्य है, क्वेश्चन आंसर का उद्देश्य, क्वेश्चन पूछना थोड़ी है, उसके थ्रू एक स्टेज पे ऐसी आ जाना कि खुद जानना महसूस हो जाना, तब आप स्वधर्म का पालन करोगे। स्वधर्म पूछ के कोई थोड़ी कर सकता है,
अब आप बताओ जी अब हमें क्या करना है, अब आप बताओ हमें क्या करना है, ऐसे कोई थोड़ी कर सकता है। जब इतनी क्लैरिटी आ जाएगी, क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे, तब आप अपने आप उसकी तरफ चलोगे, वही वही असली रास्ता है, वही मुक्ति है। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। सर धन्यवाद, आपने इतना आप वक्त देते हो ग्रुप में और ग्रेट अवेकनिंग चैनल है और इसमें वीडियोस डालते हो, सर आपने जगाया हमें, थैंक यू। मैं तो पता नहीं कहाँ थी, मेरा हस्बैंड बीमार थे और मैं जॉब कर रही थी, पता नहीं एक एक अजीब सी औरत थी, शायद दुखी थी, और आज देखो कितना चेंज आ गया 1 ईयर में। सो हैप्पी, जब मैं सुनता हूँ तो बड़ा दिल खुश होता है। और जैसे अभी किसी ने कोई कहा था कि मैं उनको बताता हूँ तो मैं अपनी ही हेल्प कर रहा हूँ। बेसिकली आप लोग को लगता है कि मैं अपना टाइम और समय आप लोग के लिए दे रहा हूँ, मैं अपनी ही हेल्प कर रहा हूँ। मैं तब जागूंगा जब ये जगत जागेगा, मैं तब वापस जा पाऊंगा जब ये जगत मुक्त होगा। ये जगत मेरा ही तो क्रिएशन है। इस डायमेंशन में अभी तक तभी कोई बाहर जा सकता है जब ग्रैंड पोर्टल खुले। ग्रैंड पोर्टल तक हम सबको काम करना है, तो मेरा भी काम है, आप लोग के थ्रू मेरी हेल्प हो रही है कि आप सब जाग रहे हो तो प्रोसेस फास्ट हो रहा है। आप लोग भी तो आकाशिक रिकॉर्ड को चेंज कर रहे हो, है ना। अब हम नेक्स्ट फेज में आ पाए, इसके बाद वाले फेज में आ पाएंगे, क्योंकि हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में कर, 1 से 2 हुए, 2 से 4, 4 से 8, अब हम 10 मिनट पहले हैं सर, हम बहुत पास हैं। एक सुनामी मानवता के सामने खड़ी है और मानवता को पता नहीं है, और सिर्फ एक थोड़े से लोग हैं जो इसको रोकेंगे। सोचो कितना कितना महान काम के लिए आप चुने गए हो। सो थैंक यू सरस्वती जी, थैंक यू फॉर योर बीइंग, और आपके सारे डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस के बावजूद आप बनी रहीं, हस्बैंड की हेल्थ, जॉब एंड सो ऑन, इसके बावजूद आप कर पाए, यही बैकडोर है। हम सब इस मैट्रिक्स में एक बैकडोर लगा के आए थे, क्योंकि हमको पता था यहाँ आके फंस जाएंगे, यहाँ पे भूल जाएंगे। ये आपका बैकडोर था जिसने आपको वहां पहुंचाया। जी जी जी, थैंक यू परवीन सर। नमस्कार सर। सर आपकी बातें सुन के ना, मतलब पहले बहुत सारे लोगों की वीडियोस वगैरह सुनते हैं, लेकिन आप जो एक जागृति और मतलब सब चीजें अवेकन सबको कर रहे हैं ना, वैसा तो किसी के चैनल पे नहीं देखा अभी तक। इतनी आपसे पहले बहुत सारी वीडियोस देखती थी, लेकिन आपसे जुड़ने के बाद शायद और किसी को सुनना भूल गए, तो यही लगता है कि वो सब लोग पता नहीं क्या क्या बताते जा रहे हैं, और आपकी जो टीचिंग है वो तो बिल्कुल अलग हटके हैं सबसे। तो और एक चीज सर पूछना चाहूंगी ये कि आज ना डॉक्टर नरुदा की मैं 3rd सीरीज सुन रही थी, तो उसमें था कि एक तो मतलब हम सब लोग ना बनाए गए हैं। आप 3rd सुन रहे हो कि 5th सुन रहे हो? मतलब एक्चुअली वो 5 पार्ट में है ना, तो 3rd पार्ट सुन रही थी मैं उसका। नहीं, इंटरव्यू 5th इंटरव्यू डिफरेंट पार्ट में लोगों ने बताया है। आप मेरे ख्याल से अलीशा चैनल में वीडियो सुन रही होंगी, राइट? अलीशा या जी, यस यस। तो वो 5th इंटरव्यू है, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले के 4 इंटरव्यू को हटा के 5th इंटरव्यू सुन रही है। यस, उसमें 3rd जो पार्ट है उनका अलीशा वाले में, तो मैं आपको, यस, मैं आपकी बात बिना सुने बताता हूँ कि पहले 5ों सुन लीजिए कंप्लीट। 3rd का एक हिस्सा आया और उसने आपके माइंड को एक्साइट कर दिया कि ये क्या कह रहे हैं, उसके बाद थोड़े समय कुछ एक्शन मत लीजिए, फिर एक बार दोबारा सुनिए, वो आपकी कॉन्शियसनेस में सेटल होना है। अदरवाइज बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, पहली बार सुनेंगी तो इतने सारे क्वेश्चन आएंगे, विद्रोह होगा, पुरानी कंडीशनिंग हिलेगी, जमीन के नीचे पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाती है, पहली बार जब इंटरव्यू मैंने सुना था तो। फिर उसको सेटल होने का समय लगा, क्योंकि आप सुन रहे हो तो आपके लिए बहुत आसान है, वो हंसते हुए बता देती हैं रिशा जी कि उनकी बेटियां, तो आपको आसान लगता है। जब आप अकेले कमरे में किताब पढ़ रहे होते और उस मतलब इंटरव्यू पढ़ रहे होते, उस इंटरव्यू का जो असर आपके ऊपर होता, तो बहुत मेरे पाँव के नीचे जमीन खिस निकल गई थी पहली बार। फिर उसका आधार बन गया, जो नकली थी वो हट गई, जो आधार बन गया, तो उस आधार से मैं क्लियरली देख पाता हूँ। तो बेटर है कंप्लीट देखें, थोड़ा समय दें, फिर आपके सारे क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा। ठीक है सर, एक चीज और, एक नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर जैसे अभी आप थोड़े टाइम पहले किसी ने पूछा था कि हवा में उड़ना, तो सर मैं तो बचपन से बहुत छोटेपन से ही ये सब देख रही हूँ कि मैं बहुत पता नहीं कहाँ कहाँ उड़ के जा रही हूँ सपनों में, ड्रीम्स में,
और मेरे साथ इवन स्नेक्स वगैरह भी होते हैं, होते थे, और अब स्नेक्स नहीं होते। मैं अकेले, मतलब वो बचपन से मेरा इतना रिपीटिंग सपना है, ड्रीम, तो वो क्या है सर? हाँ, किसी ने पूछा नहीं था, मैंने ही बता दिया था कि इस तरह के सपने आजकल लोगों को बहुत आ रहे हैं, जिसमें वो हवा में लाइटनेस महसूस करते हैं क्योंकि अर्थ की डेंसिटी फाइन हो गई है, उसकी वजह से ऐसा लगता है कि वो उड़ रहे हैं। थोड़ा सा उन्हें लॉन्ग जंप करा, थोड़ा सा दौड़े और एकदम से हवा में उड़ गए, उड़ने लगे। ऐसा ही हल्कापन है इस नई एनर्जी में, तो उसकी वजह से। लेकिन आपको तो बचपन से आता है, जब ये एनर्जी इतनी फाइन नहीं थी तो आपकी एनर्जी उस समय भी फाइन थी, इसलिए शायद आपको आता होगा बचपन में। इसुमी जी की एक बात बता, आप सब लोग को अच्छी लगेगी। इसुमी जी सपने में हमेशा उड़ती हैं, तो वो ऐसा करके दिखाएंगी, मैं ऐसा पोज बनाती हूँ, बस जंप करती हूँ, मैं उड़ने लगती हूँ। तो कहती हैं, एक मेरी सहेली थी, उसको मैंने सपना बताया, तो वो कहती है कि मैं भी करना चाहती हूँ। तो जब मैं उस स्टेज में अगले दिन गई, तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और जंप लिया। इतनी सॉलिड वो अर्थ से जुड़ी हुई थी कि मैं उसको उठाती रही उठाती रही, बहुत कोशिश की, हाथ छूट गया, लेकिन उसने अर्थ नहीं छोड़ी। तो जो लोग नहीं छोड़ पाते वो चिपके हुए हैं, जो उड़ सकते हैं ये वरदान है उनके लिए। मजा लेते हैं कि हल्केपन का कितना मजा आता है। जी सर, मैं तो बचपन से ये ड्रीम देखती हूँ, मैं अपने दोनों हाथ ऊपर करती हूँ, जिस तरीके से दिखाते हैं ना हनुमान जी को वो पिक्स में, मैं बचपन से ये चीज देखती थी कि शायद बहुत छोटी थी कि ये हनुमान दोनों हाथ ऊपर कर रही हूँ, कहीं का कहीं जंप मार रही हूँ, उड़ते हुए जहां जाना चाह रही हूँ वहां उतर रही हूँ। ये बहुत, और अभी से नहीं है, बचपन से, मतलब बहुत रिपीटेड सपना है मेरा और अभी भी मुझे आता है अक्सर। हम जो अर्थ में जो हम फंसे हुए हैं जेल में, इस जेल के जो कई नियम है उसमें एक नियम है ग्रेविटी, कि ग्रेविटी नीचे की ओर खींचेगी। अब हम धीरे धीरे इस नियम के बाहर जाने की ओर कोशिश कर रहे हैं, और या आप जाने के द्वार पे खड़े हैं, तो उसमें जो एंटी ग्रेविटी है वो आने वाली है, जिसमें हम लाइटली, लाइटनेस आएगी। इट्स वेरी गुड, एंजॉय। सर एक क्वेश्चन, कि जैसे ये होता है कि वननेस हम बोलते हैं, तो क्या होता है कि अभी तक हम किसी को भी देखते हैं ना, तो मेरे साथ तो बहुत टाइम से होता है कि मुझे सबको बड़ देख के बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जहां पे, और सबके दुख में भी दुख होता है, और अब ये पता भी लग गया है कि क्या है, लेकिन फिर भी अपनी फैमिली से नहीं निकल पा रहे सर, वहां पे वो चेतना उनकी मैच नहीं कर रही है, अब उनको छोड़ भी नहीं सकते, तो उस सिचुएशन में हम क्या करें? मैं आपको बताता हूँ असली बात, मेरी बहन की है, वो भी स्पिरिचुअल साधना में अच्छी है, तो वननेस का एक्सपीरियंस करती है, पूरे धरती में सबके साथ एक हो जाती है और आंसू भी बहते हैं, इसी एकत्व के अभाव में बड़ी ब्लिस का अनुभव होता है। लेकिन वो कहती है कि जब मैं आदमियों को देखती हूँ तो वननेस नहीं कर पाती, है ना, एक औरत के शरीर में है और उसके अंदर की इनसिक्योरिटी, अपब्रिंगिंग या प्रीवियस जन्म की कोई घटना उसको आदमियों पर ट्रस्ट करने पे बाधा बनती है, अभी भी इतने सारे एक्सपीरियंसेस के बाद भी। सेम वे आपके जो कड़वाहट है पुराने जन्म, इस परिवार की सॉरी, वो कड़वाहट आपको बीच में रोकती है, जबकि जब आप समझ जाएंगे कि ये जगत आपने क्रिएट किया था, ये कड़वाहट भी आपने क्रिएट की, तब आप इससे उबर पाएंगी। तब तक के लिए ट्रिगर है, तब तक के लिए काम करना है सर। उनको मैं चाहती हूँ कि उनकी भी चेतना ऊपर आए जी, लेकिन वो दो है ही नहीं, आप भी हो अकेले। आपने शुरू से काम किया था, रिफ्लेक्टर वाला मेडिटेशन किया था आपने, या लेट आपने ज्वाइन किया? जी जी किया था, बिल्कुल सर किया था। अगर आपने किया है तो ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। उसका कारण ये है कि आपने रिफ्लेक्टर बदलने शुरू कर दिए। ओके, आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, जगत आपका शीशा है, इस शीशे में अभी तक उनकी आंखों से जो आप एक्सपीरियंस करते थे वो आपका एक्सपीरियंस था। तो एक एक्सपीरियंस उनसे डरने का या उनके साथ अनकंफर्टेबल रहने का एक एक्सपीरियंस था, राइट? ये रिफ्लेक्टर बदल जाएगा, जैसे ही बदल जाएगा तो आपका जीवन बदलने लगेगा, उनके प्रति आपका दृष्टिकोण बदलने लगेगा। ओके, इट्स वेरी इफेक्टिव मेडिटेशन। एक ये भी था, जैसे पहले मैं बहुत ज्यादा लोगों से मिलती थी, बाहर जाती थी, थोड़ा बहुत रहती थी लोगों के बीच में, लेकिन अब मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता, मेरा बहुत सराउंडिंग हो गया है, तो बाहर कोई मिलने के लिए भी बोलते हैं तो नहीं, तो और वो बात भी करते हैं तो मुझे बड़ी हंसी सी आती है सुन के कि ये कहाँ अभी भी फंसे हुए हैं, और उनको हम कुछ जगाने की कोशिश करते हैं तो वो ही कहते हैं कि कहाँ अचना, कहाँ फंस गई है तू किन चीजों में।
तो बहुत अपने बहुत आप में नॉर्मल सुमिटने है का। ये नॉर्मल। तो पहले उन्होंने कहा कि उनका इससे विपरीत हो गया, पहले वो अकेले रहते थे, अब वो मिल के पब्लिक में रहते हैं। दोनों तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं। आप लोगों को मैं एक बात बताता हूँ, एक जो एनलाइटेंड बीइंग होता है उसको सिर्फ एक रहती है कि वो आइसोलेशन में हो जाता है। वो जो जानता है जिस फ्रीक्वेंसी में है, उस फ्रीक्वेंसी के लोग उसको नहीं मिलते, वो अपनी जीवन को शेयर नहीं कर पाता। ये सब जी के साथ बिल्कुल होता है, दैट इज नॉर्मल। क्योंकि अभी तो बहुत सारे लोग उस एनर्जी में नहीं है। अब हम एक ऐसी एनर्जी फील्ड क्रिएट करें जिसमें सब उस एनर्जी में आ जाएंगे, सोचो तब कितना सुंदर जीवन होगा। लेकिन अभी नहीं है, उसके डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। जी बिल्कुल, वो उन लोगों से बात करने का मन नहीं करता कि वो तो पता नहीं कहाँ किस वही पुराने जीवन में अभी भी जी गए हैं। तो एक तरह से ये अच्छा है, एक तरह से ये पॉजिटिव साइन है बदलाव। इसका मतलब ये है कि एक फ्रीक्वेंसी की फील्ड जो आपने अब तक कितने सारे सालों तक जी, आपने उसको क्रॉस कर लिया, इसीलिए नई रियलिटी क्रिएट होने लगी और पुरानी वो सब धीरे धीरे छूटने लगी। दैट इज ए गुड साइन। ठीक है सर, थैंक यू अर्चना जी। गोपाल जी, हेलो जी, बोलिए। हाँ गोपाल, आवाज आ रही है। हाँ सर, अब शक्ल, अब आपका चित्र तो सर अब नजर आया, मैं आपके दिखे बिना कैसे बोलूं सर, अब दिखे हैं आप। आपसे हाल चाल क्या पूछूं सर, आपको आनंद की प्रतिमूर्ति है। हाल चाल नहीं पूछूंगा आपसे, और देख के ही आनंद आ जाता है। आपकी बातें मंत्र मुग्ध होके सुनता हूँ, ऐसा लगता है कि मैं मेडिटेटिव स्टेज में पहुंच जाता हूँ, कोई प्रश्न उठता ही नहीं। मैंने पहले कहा कि जगत आपका शीशा है, आपके अंदर ये भाव है, इसीलिए शीशे में ऐसा दिखता है, अदरवाइज मेरा कोई इसमें रोल नहीं है। सर पहले प्रश्न जो शुरू में आपने पूछा गया था यहाँ पे, तो मेरा तो कहना है अपने सदगुरु मास्टर या जिनकी भी कक्षा में हो, तो उनसे सबसे पहले प्रेम होना अनिवार्य है आपका, विश्वास होना अनिवार्य है आपका, प्रेम होना अनिवार्य है। मैं आपसे गुड़गांव में शायद पहली दफे मिला था, और मुझे नहीं लगा, शायद आपको भी नहीं लगा होगा, कि हम पहले से कई जन्मों से एक दूसरे को ना जानते। और आज भी मेरे अंदर यही भाव होता है, मैं मंत्रमुग्ध होकर आपको सुनता हूं और कोई प्रश्न उठता ही नहीं। अगर अपना पात्र कोई खाली रखेगा, जैसे हम कहीं दूध लेने जाते हैं, उस बर्तन में अगर कुछ और चीज पहले पड़ी हुई है तो दूध खराब हो जाएगा या पानी स्वच्छ बर्तन में नहीं आएगा। मेरा तो कहना सर सिर्फ ये है, आनंद आता है और कुछ नहीं आता। और सर मूर्खतापूर्ण हो सकता है आप मेरा आज का प्रश्न बोलेंगे, कि 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद मैं भी भक्त था, आप समझ गए होंगे मैं किसका भक्त बोल रहा हूँ। तो देट वॉज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि उनकी भक्ति से मैं निकला और मैंने रिसर्च करा, पढ़ा सब कुछ। तो उसके बाद से दो बार दिल्ली में इलेक्शन हुआ है, और दोनों बार मैं, एक बार विधानसभा का और एक बार कॉरपोरेशन का, मैंने दोनों बार नोटा का बटन दबाया है, और अब देश उसी परिपंच से दोबारा चल रहा है। तो इस विषय में मैं आपका राय जानना चाहता था। इस बार मेरा मन ये कह रहा है कि ये तो फिजूल की बातें हैं, अब इसमें भाग लेने का कोई पर्याय नहीं, कोई उम्मीद नहीं है, कुछ करना नहीं है, तो क्या इससे दूर रहा जाए? देखिए ये आखिरी इलेक्शन है, इसमें जो मर्जी ये कर लें, ये आखिरी इलेक्शन है। नेक्स्ट इलेक्शन 2030 में होगा, तब तक नया युग हो जाएगा। सर उम्मीद तो यही है जी, तो वी शुड पार्टिसिपेट इन, इट डजंट मैटर। नोटा का भी बटन दबाने जाया जाए नहीं जाया जाए, मैं तो नोटा करना चाहता, मैं तो इस मैट्रिक्स का एक हिस्सा नहीं बनना चाहता। हाँ, मेरी तो बिल्कुल यही बार इच्छा थी कि कहीं अपने घूमने निकल जाऊं और दो तीन दिन अपने आनंद लिए जाए। ये आखिरी इलेक्शन है, ऐसा युग देखें जिसमें असली पॉलिटिकल आ पाए। मुझे उन लोगों से कम दिक्कत होती है जो मान लो बिजनेस करते हैं बिजनेस के रूप में। जब सन्यासी के कपड़े पहन के कोई बिजनेस करता है तो वो धोखा देता है। देशभक्त के रूप में आके देश के लोगों के इमोशंस को जब कोई ब्लैकमेल करता है, हमने वो सब देखा है पिछले 10 सालों में, इसके बावजूद भी आंखें नहीं खुली, कितना दुर्भाग्य है। तो लेकिन ये आखिरी है, ये हमें सबको जगाने के काम आ रहा है, और ये भी हमारा ही क्रिएशन है क्योंकि इसके थ्रू हम जाग रहे हैं। इतना बड़ा जब हम धोखा खाते हैं तब असली में जागृत खुलती है। हम इतनी गहरी नींद में हैं कि हमें आसानी से कोई जगा नहीं सकता, हमें तो हैंटर मार के भी नहीं जागते। अब पढ़ रहा है कि थोड़ा जाग रहे हैं जी। जी सर, मेरा प्रश्न तो विशेष रहता नहीं, आपसे ही मतलब देखते ही सारे प्रश्न के उत्तर मिल जाते हैं, मैं तो आनंदित रहता हूँ और ईगरली वेटिंग टू मीट यू। आपको हृदय से लगाने की इच्छा है मेरी, अहमदाबाद जल्दी से वो समय आए और मैं आपसे मिलूं सर। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते सर। नमस्ते जी सर, कोई क्वेश्चन नहीं है, बस
थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताना था। अभी किसी मेंबर ने बात बोली थी कि यूट्यूब वीडियो से भी फील्ड में आके चेंजेस आ सकते हैं क्या, तो मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपको तो बताया था, मैं बाकी लोगों के लिए बताना चाहती हूँ। पिछले साल जो इजुमी मैम के साथ हमारा सेशन हुआ था जनवरी में, उसमें मैम ने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने वाली एक मेडिटेशन करवाई थी, और उस मेडिटेशन के करने के बाद जो मेरी लाइफ में चेंजेस आए हैं, इतना इतने फास्ट चेंजेस आए, इतनी फास्ट हुई जर्नी। तो ये भी पॉसिबल है कि आप यूट्यूब वीडियो से कनेक्ट होकर के भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद जब ऋषिकेश में मिले तो फिर तो पंख ही लग गए जर्नी में। तो मुझे लगता है कि अगर कोई ममता जी की पुरानी फोटो देखे और नई फोटो देखे तो फोटो भी बदल गई है। मैं पूरी बदल गई हूँ सर, अहमदाबाद में जब हम मिलेंगे तो देखेंगे। अब तो कई महीने बाद लोग कहते हैं कि तीन तरह के वो होते हैं घोड़े। एक घोड़ा होता है उसको मारते रहो तो भी वो नहीं कुछ होता, एक को खाली इशारा करना होता है हाथ से, थोड़ा सा थप्पड़ दे, हाथ से इशारा किया वो मुड़ जाता है, और एक को कुछ नहीं करना पड़ता, खाली वो फील्ड में आता है चेतक, वो महाराणा प्रताप क्या चाहते हैं वो करता है। तो जब कोई तैयार होता है फील्ड में आते ही उसको वो हो जाता है। दिस इज द डिफरेंस। ये जो कोड़े वाली बात आपने बोली वो तो पूरी लाइफ से पढ़ ही रहे थे सर। जी पूरा जीवन निकल गया, अब जाके पता लगा कि हम भी अपनी लाइफ को अपने हाथ में ले सकते हैं। जी थैंक यू ममता जी। ओके नमस्ते सर, मेरा कैसे हैं आप? बहुत अच्छा लगता है आपकी बातें सुनकर। एक्चुअली यहाँ पे मतलब मेरी तो काफी लंबा एक्सपीरियंस रहा है डिफरेंट डिफरेंट गुरुओं के साथ और मॉडलिटीज के साथ, लेकिन यहाँ पे जो सिंप्लिसिटी है ना कि मतलब आप एकदम सिंप्लिसिटी के साथ यू कैन असेंड, वो बड़ी अच्छी चीज लगती है पहला। और दूसरी बात ये है कि जब सेशन शुरू हो रहा था उस समय जो डिस्कशन चल रहा था उसमें जैसे कह रहे थे कि लाइक राइट नाउ वी कैन असेंड टू 5D, लाइक इट्स जस्ट अ फ्रीक्वेंसी राइट। तो जब आपने वो फ्रीक्वेंसी कैच कर ली आप वहां पे हो, आप वहां पे अभी भी जा सकते हो, यू डोंट हैव टू वेट टिल 2025, 2026 और 2027। हाँ? तो मेरा प्रश्न ये है कि चलो मैं उस फ्रीक्वेंसी को कैच करके मैं उस स्टेट में अभी चली जाती हूँ एंड आई स्टार्ट फीलिंग दैट ब्लिस और सारा कुछ, तो ये मेरा प्रश्न है कि अगर 27 के बाद पूरी ह्यूमैनिटी असेंड कर जाएगी और तो फिर मुझे वो पीछे का याद रहेगा क्या, मतलब कि मतलब आई हैव ट्रेवल्ड फ्रॉम हियर टू देयर। जैसे बहुत सारे लोगों को सपना याद रहता है लेकिन सबको याद नहीं रहता, बिल्कुल ऐसे अच्छा ही कुछ फ्रंट रनर को सब याद रहेगा क्योंकि वो इसको क्रिएट कर रहे हैं कॉन्शियसली, लेकिन अधिकांश लोगों को कुछ याद नहीं रहेगा। जब ये फ्रीक्वेंसी ओवरलैप करेगी तब वो जाग जाएंगे जहाँ पे अपने घर पे, और उस घर पे वो सपना भी उन्हें याद नहीं रहेगा, उन्हें लगेगा कि हमेशा से ऐसा था। ओके तो जो अवेकंड होंगे अभी के टाइम पे उन्हें शायद वो जर्नी याद रहेगी, उन्हें याद रहेगी उस जर्नी की। हाँ जो अभी भी स्लीपिंग, हाँ जी हाँ जी, और जो अभी भी स्लीपिंग स्टेट में है वो उन्हें लगेगा कि ओके मतलब ऐसा ही था राइट, वो उस समय भी मतलब ओके दे विल बी एंजॉयिंग दैट फ्रीक्वेंसी एंड दैट एनर्जी, बट उन्हें कुछ पता नहीं रहेगा कि वो कैसे उस एनर्जी में आ गए राइट। ओके ओके थैंक यू, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क, थैंक यू सो मच सर। हम तो अभी से बहुत कुछ भूलने जा रहा है सर, भूल रहा है बहुत कुछ ज्यादा। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कृष्णा राव जी की, कोई भी किसी सिस्टम में जब हायर पहुंचता है और लंबे समय तक रहता है तो आइडेंटिफाइड हो जाता है। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, इतने ज़्यादा समय तक रहने के बाद कृष्णा राव जी, अनसुईया जी ने जो लिया है ये बहुत अप्रिशिएबल है। हर एक के अंदर इतनी सामर्थ नहीं होती, कन्विक्शन नहीं होता। सो आई सिंसियरली कृष्णा जी को याद करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। शकुंतला जी नमस्ते सर।
नमस्ते नमस्ते जी प्रवीण सर। जी जी इमोशन तो कुछ नहीं है सर, बस आपसे बात करने का मन था, थैंक यू बोलने का मन था जी। बस बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड सर आपका, क्रिया की प्रैक्टिस जारी है और मतलब एक्सेप्टेंस वाली चीज आ गई है, मतलब ज्यादा क्वेश्चन उठते नहीं है कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, बस नो रेजिस्टेंस नो जस्टिफिकेशन जस्ट ए शॉर्ट फेस है, इसको और एंजॉय कर लो। कभी पास हो जाते हैं कभी फेल हो जाते हैं, फेल वेल कुछ नहीं है। इस धरती में पथ भ्रष्ट शब्द बना हुआ है, वेयर एज इस शब्द की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये भी एक पथ है, थोड़ा लंबा पथ है। और सर आजकल मुझे टाइम बहुत मतलब ऐसा लगता है बहुत टाइम है, हाँ नहीं फास्ट नहीं लग रहा मुझे, स्लो गया, स्लो लग रहा है, मतलब मुझे प्रैक्टिस के लिए बहुत टाइम मिल रहा है। यस इट्स वेरी गुड। तो ये यही क्वेश्चन उठ रहा था, जैसे ग्रुप में उस दिन डाला था किसी को फास्ट लग रहा है किसी को स्लो लग रहा है, तो क्या मतलब कौन सा सही है? कोई सिग्निफिकेंस नहीं है बट लेकिन अधिकांश लोगों को फास्ट लग रहा है। दो तरह की टाइम लाइन मर्ज हो रही है तो उसमें बस खाली किसी को फास्ट लगता है, रिलेटिव है ये, अदरवाइज इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आने वाले समय में दोनों मर्जों के एक साथ चलने वाली है, मतलब एक साथ ही चलेंगे दोनों मर्जियों के? यस दोनों, जैसे ना गंगा यमुना मिली इलाहाबाद में, थोड़े समय तक अलग अलग कलर दिखाई देता है, बाद में एक हो जाती है, तो अभी दो कलर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि दो स्ट्रीम मर्ज हो रही हैं। यहाँ पे टाइमलाइन फिर मर्ज हुई है एक बार और एक साथ आगे चलेंगी तो ये खत्म हो जाएगा। जी नमस्कार प्रवीण जी। नमस्ते जी। मैं एक वैसे तो आपके मेडिटेशंस काफी महीनों से कर रही हूँ, साल ही हो गया तकरीबन अब तो, मुझे काफी फायदा भी है, मगर एक चीज में मैं पता नहीं क्यों अटकी हुई हूँ। मेरे सिर में बहुत जकड़न है और मेरे शरीर को ऐसे लगता है कि किसी ने जंजीरों से बांधा हुआ है, उसको मैं बहुत मेडिटेशन आपकी टू पॉइंट्स मेडिटेशंस भी करती हूँ उसके लिए और टाइमलाइन भी करके चुकी हूँ, मगर उससे मैं निजात नहीं मिल पा रहा मुझे उस। सी अभी पूरी ह्यूमैनिटी जकड़न में है ना, हम भी तो जकड़न में जा नहीं सकते, लेकिन आपको फिजिकलिटी वाली जकड़न लगती है कि पूरा शरीर में जकड़न है एंड सो ऑन, है ना? जी जी हाँ जी। ये भारीपन भी हल्केपन में कन्वर्ट होगा, टू पॉइंट आप करती हैं है ना? जी जी सॉरी नॉट ऑन टू डेज, टू डिस्क करती हैं, टू डिस्क करेंगी तो उसमें जितना भी जकड़न है जो चक्रों में टेंडेंसी सेव हैं ये सारी उससे बाहर निकल के डिसॉल्व हो जाएंगी। उसका मुझे काफी फायदा हो रहा था मगर ये पिछले 5-6 दिन में इतनी जकड़न हो रही है कि मैं वो 2-3 दिन से वो 2 पॉइंट मेडिटेशन बड़ी मुश्किल से बड़ी जिद से करती हूँ, करना है मुझे करके यही सोच के, मगर उसमें थोड़ा मुश्किल अड़चन क्यों आ रही है मुझे ये नहीं समझ आ रहा। 2 पॉइंट आपने कहा या 2 डिस्क कहा है? दोबारा आपने फिर 2 पॉइंट बोला। टू पॉइंट भी मैंने करती हूँ और 2 डिस्क भी करती हूँ, 2 डिस्क तो मॉर्निंग इवनिंग डेली करती हूँ। यस बहुत इफेक्टिव है। और अब की बात थोड़ी सी इंटेंशन डालिए से 3 वीक्स टाइम दे के कि विद इन 3 वीक्स जब आप देखें तो ये जकड़न ना हो या ये टॉपिक ही खत्म हो जाए। जैसे मान लो ये टॉपिक आपने आज छेड़ा तो इसका मतलब ये टॉपिक आपकी कॉन्शियसनेस में है, अगर ये टॉपिक खत्म हो जाए तो कॉन्शियसनेस से हट गया, इसका मतलब ये प्रॉब्लम कभी थी या नहीं थी, बात ही खत्म हो गई। क्या हो कि आज से 4 वीक के बाद ये टॉपिक ही ना हो डिस्कशन का, तो जो ये एक्सपीरियंस है ये एक्सपीरियंस करने का कॉज एंड इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, है ना? तो इस इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए सारी आपकी जर्नी यहां से यहां तक शुरू हो जाएगी। एक बार करके छोड़ देना है विश्वास के साथ, दैट्स ऑल। ओके जी, इस बार अहमदाबाद में मैं आपसे जरूर मिल रही हूँ, पिछली बार मैंने ऋषिकेश में आपसे मिलने के लिए मैंने ही कुछ गड़बड़ करी थी, कैंसिल करा दिया था आपने, कॉस्मिक गैलरी भी आपने बात की थी फिर भी सरकमस्टेंसेस नहीं बने थे, अब की बार जो है अब तो पक्का आप जरूर आएंगे। ओके जी, ऑल द बेस्ट। उर्वशी जी थैंक यू सो मच सर, बस थैंक यू के लिए फोन बात कर रही हूँ आपसे, और जब से सेशन शुरू हुआ है इतना अच्छा लग रहा है और आपने 3-4 मिनट पहले ही शुरू कर दिया तो और अच्छा लग रहा था। और बस 5 दिन का था जब जयपुर आए थे कि 5 दिन के लिए मिलना है, तो बस आने वाला है समय जल्दी से। जयपुर तो 2 दिन का ही था, जयपुर 2
दिन का था, पर वहां पे विश की थी ना कि 5 दिन का हो। यस तो 5 दिन का समय आ रही हूँ, अहमदाबाद आ रही हूँ 5 दिन के लिए। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा लग रहा सर, बहुत अच्छा लग रहा, थैंक यू सो मच। कृष्ण राव सर को भी थैंक यू बोलना है मुझे, उन्होंने मैसेज डाला था पर मैं थोड़ा व्यस्त थी तो मैं उनको रिवर्ट नहीं कर पाई। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। आपने ये नहीं पूछा मुझे आपका नाम याद है कि नहीं, मुझे याद है, आपको याद है, पहली बार आपसे बात कर रही हूँ, थैंक यू। मुझे ये प्रश्न था कि कहीं से सुना है कि अमृत वेले ही मेडिटेशन करना चाहिए, मगर मैं जल्दी उठ नहीं पा रही हूँ। मैं जब भी उठती हूँ नहा धो के मेडिटेशन करती हूँ और मुझे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस भी हो रहे हैं, तो ये अच्छा है कि फिर मैं? बिल्कुल अच्छा है, किसी भी समय करें, रात में करें, दिन में, किसी भी समय करें, बच्चे घर से चले जाते हैं तब करें। पहले ऐसा नहीं हो पाता था, जब अर्थ की डेंसिटी सॉलिड थी तब खाली एक ऐसा समय था जब हेल्प मिलती थी, अमृत वेला। अब वो फ्रीक्वेंसी बदल चुकी है, तो जिस समय आपको सूट करता है उस समय। ओके, और एक था कि प्याज लहसुन का, वो भी बहुत सुना है कि नहीं खाना चाहिए। आप, मैं इतना, हम लोग ब्राह्मीण है वैसे भी कम खाते हैं, मगर थोड़ा ये आर्थराइटिस के लिए लहसुन का बोला है तो थोड़ा खाती हूँ, तो मेडिटेशन में इफेक्ट होता है कि वो भी कॉन्शियस ही है कि हमें डाल देना चाहिए कि नहीं? हर चीज अल्टीमेटली कॉन्शियसनेस है, ऐसे उस कॉन्शियसनेस के अंदर एक इंफॉर्मेशन है कि ये लहसुन, और उस लहसुन में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। ऐसी धरती पे जातियां हैं साउथ अमेरिका में जो सांप का जहर पीती हैं, उन्हें कुछ नहीं होता, लेकिन दूसरे को पियेंगे तो उनको हो जाएगा, क्योंकि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में ये जहर है। ऐसे ही ब्राह्मण हैं, बचपन से संस्कार डाले हुए हैं, वो संस्कार बाधा हैं, अदरवाइज आप उसकी एनर्जीज को न्यूट्रलाइज कर सकती हैं, और दवाई के रूप में हर चीज़ जाया जाए, है ना, दवाई के रूप में आप कोई भी चीज़ खाती हैं खाना चाहिए। इसके अलावा एनलाइटेंड मास्टर धरती पे हुए हैं जो मांस खाते थे, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से ऊपर उठने का समय है। इस धरती पे ड्यूअलिटी है, हर चीज के दो पेयर हैं। ऐसा नहीं मैं ये कहता कि मांस खाना चाहिए, ये लहसुन खाना चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ इस द्वंद से मुक्त रहना चाहिए। अगर आप द्वंद से मुक्त हैं तो सबसे जल्दी से रेस कर जाएंगे। आपकी कॉन्शियसनेस अगर कहेगी कि हमने खा लिया इसकी वजह से मेरी जर्नी स्लो हो गई, तो वो स्लो हो जाएगी। ओके, हाँ, अदरवाइज ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हाँ सर, मैं भूल, आपको सुनना चाहता हूँ सर, मैं बोलना भूल ही जाता हूँ जी। और सर पूछना, जयपुर रिट्रीट में एक जिक्र आया था, आपने कहा था ग्रेस का जी, ग्रेस मिलती है, और सीरियसली मैं तो उस ग्रेस को पल पल महसूस करता हूँ सर। मुझे तो कुछ बुरा मिलता ही नहीं, सारा अच्छा मिलता है, कलेक्टिव कॉन्शियस में हम लोग रहते हैं, और मेडिटेशन में भी सर मैं कुछ नहीं मांगता, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, सिर्फ मेडिटेशन, और अपने आप ही सरेंडर कर रखा हो, ग्रेस मिलती है, और आप जैसे लोगों से बात हो जाती है, और कॉन्शियसनेस अपने ग्रुप की आनंद देती है सर, ग्रेस मिलती है, मैं मुख्य रूप से ये कहना चाहूंगा सर। अल्टीमेटली ग्रेस है, बाकी ग्रेस पाने के एफर्ट है, खूब ध्यान किया, ये किया, वो किया, ताकि ग्रेस मिल जाए। अल्टीमेटली घटित होता है, कोई कर नहीं सकता सर, प्रेम प्रेम होता है, कोई ध्यान कर नहीं सकता, ध्यान होता है, कब होता है, जब ग्रेस हो जाती है। ग्रेस कैसे मिलेगी, उसके लिए प्रयास करते हैं कि ग्रेस मिल जाए। ऑल द बेस्ट। और हम सबको जो ग्रेस मिली है, ये ग्रेस तो शब्दों में कोई व्यक्त नहीं कर सकता। धरती के उस खाल खंड में पैदा हुए जिसमें 1-2 सालों में मुक्त हो सकते हैं, क्या ग्रेस है, कितनी कमाल का हम हैं। नॉट ओनली हम मुक्त हो सकते हैं, हम औरों को मुक्त करने में हेल्प कर सकते हैं, है ना, इससे बड़ी ग्रेस कोई हो भी नहीं सकती। तो दैट इज, इससे बड़ी ग्रेस क्या है, तो दैट्स, वी आर सो हैप्पी। और ये जन्म बन जाए जी, ओके जी, इसी जन्म को आखिरी जन्म बनाना है सर, यही आखिरी जन्म है हम सबका, फ्रंट रनर का ही आखिरी जन्म है, इसीलिए बस आखिरी जन्म है तो थोड़ा बहुत और एंजॉय कर लेते हैं ड्यूअलिटी को। आखिरी इलेक्शन है, वोट डालो या ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं। जी ठीक, ओके जी, ओंकार मंजरी जी आपने हैंड रेज किया है तो लास्ट क्वेश्चन आपका है, इसके बाद नहीं लेंगे कोई। नमस्कार सर, नमस्कार, अहमदाबाद के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आपको बोली थी और क्रिया योग के बारे में बोली थी, शायद आप मुझे रिकलेक्ट कर पाए या नहीं पाए, उड़ीसा से बोल रही हूँ सर, पूरी। हाँ तो सर, एक्चुअली कोई क्वेश्चन तो बिल्कुल ही नहीं है, सवाल कुछ नहीं है। 3 साल से जो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है, बहुत सारे, बहुत कुछ है
बताने के लिए, लेकिन अभी बता मतलब टाइम नहीं किल करूंगी आपका, लेकिन बस यही एक मुझे लास्ट 1 अप्रैल का जो जूम मीटिंग हुआ था उसमें कृष्णा राव जी की एक डाउट जो आया उनके मन में उसको बस मैं क्लियर करना चाहूंगी। जैसे कि उनको डाउट है कि बहुत नए लोग अभी आ रहे हैं, 50% शायद अभी अहमदाबाद रिट्रीट में नए लोग आ रहे हैं, तो शायद हम लोग वो जो पुराने लोग हैं मिलके जो आप जो मकसद से अभी इसको बना रहे हैं कि ताकि हम लोग हायर ईयर में जा सके, लोगों को ले सके, जिस थॉट बीज डालना चाहते हैं आप इस रिट्रीट में, वो शायद नए लोगों के वजह से स्लो ना हो जाए या उनकी फ्रीक्वेंसी उसको कैच ना कर पाए। तो वो एक डाउट था उनके ये में, मुझे थोड़ा लगा कि कहीं हम लोग, फिर मुझे माइंड में आया कि वेदर वी आर एलिजिबल फॉर दिस रिट्रीट और नॉट, तो फिर लगा कि नहीं ऐसा नहीं है, उनका डाउट है, उनको मुझे बोलना है नहीं बोलना है, सोच सोच के मैं लास्ट में एड्रेस की हूँ कि आप ऐसा ना सोचें कि नए लोग हैं तो उनका नहीं, ये नहीं होगा। मेरे ख्याल से आपको मिस अंडरस्टैंडिंग है उनके शब्दों में, कई बार इंटरनेट कट जाता है या कभी हम फ्लो में बोल जाते हैं, उनके अंदर कतई डाउट नहीं है ये मैं जानता हूँ। नहीं वही सर, मैं खुद को वही उस टाइम में मुझे थोड़ा माइंड में एक डाउट आया कि क्वेश्चन आया कि क्या था हम लोग क्या एलिजिबल हैं, फिर लगा कि नहीं अगर नहीं होते तो शायद मैं फर्स्ट और सेकंड रिट्रीट के बारे में मुझे कोई पता भी नहीं चला कहीं से, लेकिन थर्ड में अगर मैं अचानक से एक दिन में जो बताई थी कि सुबह में आपका देखी और शाम तक मेरा टिकट बुक हो गया, पहले मेरा टिकट ऐसा भी बुक हुआ है सर 8th हम लोग निकल रहे हैं, 9th मतलब 8th रात को ही पहुंचेंगे, फ्लाइट टिकट भी बुक हो गया, लेकिन अभी मैसेज में देख रही हूँ कि आपको 9th में एंट्री करना है और 14th को निकलना है, लेकिन जबकि हमारी फ्लाइट 15th इवनिंग को है, तो नाइट 14th नाइट को भी हमको वहां पे स्टे करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी मुझे पता नहीं वो लोग हमको अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं पता नहीं, लेकिन योगेश जी से मेरी कॉन्टेक्ट हुई थी तो वो बोले कि आप टेंशन ना ले दीदी, हम साथ में जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन वो सब की बात नहीं है सर, वही मुझे लगा कि नहीं आज आपसे थोड़ा वो बात कर दूंगी तो मेरा मन थोड़ा हल्का हो जाए ऐसा नहीं है, अगर वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होता तो इतना जल्दी मेरा मैनिफेस्टेशन नहीं होता, और शायद हम हमेशा ध्यान रखो, आप लोग सोचते हो कि हमने टिकट बुक करा ली, आप लोग इनवाइट किए जाते हो डिवाइन से एक साथ इकट्ठा होने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट को करने के लिए। मुझे कोई डाउट नहीं है सर, बिल्कुल डाउट नहीं है, और आपकी जो आप भी जो बोल रहे हैं मैं 100% रिजोनेट करती हूँ हर बात को, क्योंकि मैं फील की हूँ अपने एक्सपीरियंस से, बहुत सारे ऐसे चमत्कार जो बोलते हैं लोग देखी हूँ और लाइफ को पूरा टर्न अराउंड होते हुए देखी हूँ, बहुत सारे जो जैसे बोली मैं आप पहले से कि ऐसे कम्फर्ट जोन से धक्का माने जैसा सिचुएशन आया तभी हम लोग जागे, तो ऐसा सब हुआ है 3 साल में कोरोना के टाइम से सर, बहुत लंबा स्टोरी है, जैसे कि हम एक PSU कंपनी में मेरे हस्बैंड नौकरी करते हैं, मतलब इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो इसको प्राइवेटाइजेशन करने के मकसद से हम लोग उसको टाटा भी टेक ओवर कर लिया, तो 2 साल कोरोना के टाइम सर अचानक से हम लोग इतने मतलब ये स्टेटस में जो थे अचानक 2 साल बंद हो गया और पूरा हम लोग का सैलरी भी बंद हो गया, फिर उसको मतलब उस समय मेरा क्या टेलबोन में पेन स्टार्ट हो गया, एक जो इमोशंस था, फिर मुझे कहीं से मुझे कुछ पता नहीं था, फिर मैं चक्रास हीलिंग के ऊपर मतलब खोजी रेकी सीखी, उसके बाद एक स्टेप आगे बढ़ती गई और पीछे नहीं मुड़ा, तो जो भी मतलब आप जैसे बोलते ना आई फील रियली प्रिविलेज्ड माइसेल्फ कि मुझे धक्का नहीं खाना पड़ा, राइट पर्सन के पास में पहुंची हूँ और यूट्यूब में जिसके थ्रू गई हूँ जो भी हूँ 3 साल से बहुत कुछ मेडिटेशन हायर मेडिटेशन एक्सपीरियंस की हूँ फील है, और आपका हर बात 2 साल से मैं सुनी हूँ, मतलब मैं टेलीग्राम में इतनी एक्टिव नहीं हूँ ना ही सोशल मीडिया में, तो थोड़ा कभी ज्वाइन नहीं कर पाई, 2 बार मैं पूछी हूँ भी पहले से लेकिन ज्वाइन नहीं कर पाई, अचानक से इस ग्रुप में हूँ तो आपका सारे अभी जूम मीटिंग में अटेंड कर पा रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, और लेकिन सर बहुत मिराकुलसली लाइफ चेंज हुआ है, और मतलब कभी भी कोई भी टेंशन नहीं आता, होता है जो भी होना है हो जाएगा, सब ठीक है, यही तो नेक्स्ट लेवल है कॉन्शियसनेस का, यही नेक्स्ट लेवल है जिसमें आप जानते हो, बाकी तो जो ट्रस्ट लोग ट्रस्ट तभी पैदा होता है जब आप इसके थ्रू निकल के आप जानते हो
कि आप चीजों को क्रिएट कर रहे हो, दैट इज ट्रस्ट। इस ट्रस्ट से आप सरेंडर कर सकते हो, बाकी लोग सरेंडर की बातें करते हैं। सरेंडर, हाँ एग्जैक्टली सर, सरेंडर नहीं आने से नहीं होता है। और सर बचपन से मेरी एक आदत है, मैं दिल से काम लेती हूँ। कभी दिमाग, मेरे घर वाले भी बोलते हैं कि तू थोड़ा बोलने से पहले दिमाग को भेज फिर बोल, दिल से निकलता है मुंह पे बोल देती है। पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, बहुत मतलब दिल की सुनती हूँ। और मुझे जो बोलते हैं ना लेडीज में जो एक हिंसा द्वेष है, जो जेलस, ये सब नहीं है, बचपन से नहीं है। तो हमेशा मुझे एक फीलिंग रहता है कि हाँ बहुत प्योर सोल है, भगवान ने मुझे खाली इसके लिए पैदा नहीं किया है, मेरा कुछ मकसद बहुत बड़ा होगा। तो ये दिमाग में बचपन से है। मतलब जो लोग कहते हैं कि इम्पॉसिबल, वैसे काम करने में मुझे मजा आता है और उसमें मैं करती भी हूँ, टूट पड़ती हूँ, जिसमें लगती हूँ तो लगन से कर लेती हूँ। तो सर ये जो भी है, तो आज थोड़ा वही मुझे लगा कि नहीं आपसे थोड़ा शेयर करके थोड़ा तो, अपना मन हल्का कर लूं। जी, मुझे भी थोड़ा टाइम दीजिए, मैं भी बताना चाहता हूँ। बिल्कुल डाउट नहीं था। नहीं सुनिए सुनिए, मेरे को बिल्कुल कोई डाउट नहीं था, एंड दैट वाज नॉट, मेरा डाउट भी नहीं था। मैं इन्वाइट कर रहा था सीनियर लोगों को जो ऑलरेडी शुरू से अटेंड कर रहे हैं, जो ग्रेट अवेकनिंग से कनेक्ट होके, मेरे से बहुत सीनियर लोग है, 2 साल से कनेक्ट हुआ ग्रेट अवेकनिंग से, उन लोगों को मैं इन्वाइट कर रहे थे, मेरे कोई डाउट के से नहीं। एंड अभी इस मंच में, मतलब अहमदाबाद वाले रिट्रीट में नया लोग ग्रेट अवेकनिंग से कल ज्वाइन हुआ, आज आ रहा है, कुछ मेरा कल हो जाएगा बोल के, तो कैसे भी करके हमको ऑलरेडी 575 580 हो गया, अभी आज भी मैसेज आ रहा है। तो इसके लिए मैं सीनियर्स को इन्वाइट किया था, बट ये डाउट से नहीं, आप लोग आ जाओ, आगे आ जाओ करके इनवाइट किया था। नहीं सुनिए, मेरे को बोलने दीजिए। हाँ, तो वो हो गया। एंड दूसरा, और मैं कश्मीर वैली में 2 दिन पहले आने वाले के भी मैं, क्योंकि परमानेंट अकोमोडेशन है मेरा हाथ में सब कुछ, तो 2 दिन पहले भी लोग आए थे उनको भी इन्वाइट किया हूँ, 2-3 दिन बाद में भी गए थे उनको भी मैंने रखने के, कोई प्रेजेंट नहीं किया जाने के लिए। लेकिन हम अहमदाबाद में दूसरों का उधर जा रहा है, इवन अभी भी लोग बोल रहे हैं अकोमोडेशन दिया पर कल से बुला रहा है, आप आ जाओ, अभी इतना अकोमोडेशन देने को मुश्किल हो रहा है हमको, उनका भी कुछ प्रोग्राम्स है, दूसरों का आश्रम में दे रहा, अपना हाथ में नहीं है, बहुत कुछ हमको उधर संभालना पड़ रहा है। सो जाने के लिए हम रेडी है, तो फिर नहीं अभी हम बीजे कल आ जाओ, अभी पता नहीं इतना अकोमोडेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम बाहर भी हम ढूंढ रहे हैं शायद साइमल्टेनियसली, बट इतना सारे प्रॉब्लम्स है। तो एक आध लोग जल्दी आ गया तो पहले जाएंगे तो नो प्रॉब्लम, कुछ लोगों के लिए तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बट सब लोग उधर कश्मीर वैली के सोच के, और सब लोग 2 दिन पहले आ गया के 2 दिन बाद में जाएंगे, ठीक है प्रवीण जी से पहले 2 दिन पहले जाएंगे तो उनसे भी मिल सकते करके भी लोग आएंगे, सो एक दिन प्रवीण जी रुकेंगे तो उनसे मिल सकते करके रिट्रीट बाद में रुकने के लिए प्लान कर रहा है लोग, तो उधर अकोमोडेशन अपना हाथ में नहीं। नहीं सुनिए, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मेरे तरफ से, प्रैक्टिकल, हाँ ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, वो लोग एग्जैक्ट टाइम के लिए दिया, उसी टाइम के हमको खाली करना है, ठीक है हम लोग 10-15 लोगों के लिए हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो जाने के लिए तो कोई नहीं कहेगा, बट ये सोच के सब लोग रुक के आएंगे फिर अमरनाथ से नहीं रहेगा। वहाँ पे गुरु पूर्णिमा का बहुत बड़ा फंक्शन है, उसमें बहुत बड़ी गैदरिंग की एक्सपेक्टेशन है, इसीलिए हमने डेट भी पहले शिफ्ट करनी पड़ी, नहीं तो हम किसी और डेट में कर रहे थे, और इसीलिए बाद में शायद एकोमोडेशन में इतने ज्यादा लोग एकोमोडेट नहीं हो पाएंगे, है ना कृष्ण राव जी, शायद यही। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, तो इसलिए, लेकिन इतना नहीं है कि अभी बाहर नहीं निकालेंगे, बट जितना लोग हो सकते हैं ट्रेन के टाइमिंग्स वगैरह वो सब हम इसलिए कलेक्ट भी करने जा रहा है, तो ये सब चल रहा है मैम, बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स उधर, क्योंकि अपना हाथ में नहीं है अकोमोडेशन वगैरह, नहीं था, बट सबको इन्वाइट किया था सीनियर लोगों को, किसी रीजन की वजह से नहीं आ पा रहे तो उनको जगाने के लिए मैं उस दिन कहा था मैंने, जो सीनियर लोग आगे आ जाओ करके, वही थैंक यू ओके सर, थैंक यू सर प्रवीण सर, इसलिए शायद आप गुरु पूर्णिमा में शायद हो सकता है परमहंस जी में से दीक्षा मिल जाए आपको प्रिया, क्योंकि पुरी में आएंगे वो टाइम में, पुरी में होंगे लेकिन तो जितना अटेंड करके फिर उनसे भी ले लूंगी, हाँ तो लेकिन शायद दीक्षा नहीं मिल पाती, गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत बड़ा दिन होता है, बहुत बड़ा फंक्शन होता है, मैं गुरु पूर्णिमा में रहा हूँ आश्रम में, पहले से उनका होता है, यस, लेकिन यह है कि गुरु पूर्णिमा के दिन आप उनके पास जा सकती हैं, दीक्षा उसके आसपास कभी होगी शायद, एक आध दिन पहले होगी, हाँ, शायद पहले से उनका, हाँ हाँ हो सकता है, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अगर मौका मिले गुरु दक्षिणा गुरु उनसे दीक्षा लेते वक्त समय मिले और मौका मिले तो मेरी तरफ से उन्हें प्रणाम कह दीजिएगा, नहीं तो मानसिक कह दीजिएगा, मानसिक भी काफी है,
मैं वही सर आपसे आपके बारे में बोल के ही उनसे बात की थी जो उनके थे, और एक सर ब्रह्मानंद जो योगी हैं कटक में रहते हैं उनका, उनसे मैं बात की हूँ तो बोले कि हाँ 19 को है आप आइए। मैं बोली वहाँ मुझे अहमदाबाद में जाना है प्रवीण, तो वो बोले कि हाँ मैं प्रवीण सर को, वो दिल्ली के लड़का है पता है मैं जानता हूँ उनको, तो ऐसे बात की हुई है उनसे। तो मैं बोली कि मैं घर में जो बोलते हैं ना बगल में दूल्हा और गांव में ढिंडोरा, में जाके जर्मनी से सारे से लेके आ रही हूँ जो कि पूरी में हम लोग के घर के पास में है। तो बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच जी आपके आपसे बात करके। थैंक यू, थैंक यू ऑल फ्रंट रनर्स, थैंक यू वेरी मच इस पेशेंस के लिए, साथ देने के लिए और इस इवेंट को क्रिएट करने के लिए मिलके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सर, गुड नाइट, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।